नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा लाइव पर। मैं अशोक चौधरी और दोस्तों आप सबका वेलकम है हमारे बैच एसएससी जीडी द ड्रीम बैच में। तो लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए सब जने। बहुत बढ़िया, काफी जने लाइव हो चुके हैं, सभी का नमस्कार वेलकम। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आगे कंटिन्यू इस सेशन को आगे स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। बिल्कुल, बहुत बढ़िया लाइव हो रहे हैं बच्चे। धीरे धीरे थोड़ा आज मैं लेट हो गया 10 मिनट, उसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे। बिल्कुल नमस्कार, एक बार सब जने जय हिंद का मैसेज लिख दीजिए दोस्तों। जो भी विद्यार्थी है सब जने जय हिंद का मैसेज लिख दीजिए एक बार। बिल्कुल, एक बार लाइव हो जाने दीजिए सभी को, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रतिशत, परसेंटेज, क्योंकि हमारे दो ही टॉपिक बचे दोस्तों, समय और काम और परसेंटेज। समय काम के अभी थोड़े दिन पहले कंप्लीट किया है, तो सोच रहे हैं पहले परसेंटेज को कंप्लीट कर लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी जने ज्वाइन कर लीजिए। कल इस टॉपिक को हम लोग आज देखते हैं, अगर हमारी 1.5 घंटे की क्लास हो पाती है ना दोस्तों, तो फिर हम इसको जरूर आगे और कल 1.5 घंटे की क्लास लेके फिर इसको कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा टॉपिक है पीयूष जी, उम्मीद करूंगा आपको जरूर अच्छा लगेगा इस टॉपिक को समझ के चीजें। और ये यहां से देखिए दोस्तों, पिछली बार भी 2 से 3 प्रश्न बने थे। पिछली बार क्या क्या प्रश्न बना था वो भी मैं आपको बता देता हूं अभी, ठीक है दोस्तों। पिछली बार क्या क्या प्रश्न बने थे वो भी मैं आपको बता देता हूं, तब तक आप लोग लाइव हो जाइए सभी जने। परसेंटेज से क्या क्वेश्चन बना था, और फिर आप लोगों को खुद को लगेगा कि आप चीजें जिसने पहले भी वीडियो देख रखे ना उसको जरूर पता चलेगा। दोस्तों एक प्रश्न तो आया था आपके, वर्दी और कमी से रिलेटेड, जिसके अंदर आया था एक वस्तु का अंकित मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित करता है, फिर इस पर 10% का बट्टा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ये परसेंटेज के एक तरह से प्रश्न है, लाभ और हानि को इंक्लूड करके। एक है प्रश्न, 25% का बट्टा देने पर 3600 में बेचा गया तो अंकित मूल्य कितना था। तो ये सब परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है, जब लाभ हानि को आपने अच्छे से पढ़ा है तो उसमें भी ये चीज आपके काम आई थी। चलिए अब शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। बिल्कुल सभी जने लाइव हो जाइए। अब देखिए दोस्तों, परसेंटेज का मतलब होता है दोस्तों प्रति प्लस सत। आपकी प्रति बात सत यानी 100 के ऊपर होनी चाहिए, सतर के ऊपर। आपका हर प्रोसेस सतर के ऊपर चलना चाहिए, यह सबसे जरूरी बात है। और सतर कितने रंग का बनता है दोस्तों, 100 रंग का बनता है। वापस सुन लीजिएगा दोस्तों, आपकी प्रति बात सतक के ऊपर होनी चाहिए, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है प्रतिशत। अब ये कैसे होगी वो चीज हम लोगों को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। आज प्लेलिस्ट अपडेट कर दी जाएगी दोस्तों, ठीक है तेजपाल जी। बिल्कुल मैराथन क्लास बिल्कुल रखेंगे गोपीचंद जी, लेकिन एक बार देखिए कल परसों तक हमारा कोर्स एक बार कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग मैराथन क्लास भी रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल चलिए, यानी देखिए आपकी हर बात किसके ऊपर होनी चाहिए, 100 पर। इस बार दोस्तों उम्मीद कर रहा है कि इस ड्रीम बैच से मैक्सिमम सिलेक्शन हो एसएससी जीडी के लिए। जितना दोस्तों हम प्रयास करें उतना ही आप लोग भी प्रयास कीजिए, वीडियोज को अच्छे से देखिए शुरू से लास्ट तक, बार बार रिपीट कीजिए उन्हें, तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है दोस्तों। प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, एसएससी जीडी द ड्रीम बैच की प्लेलिस्ट। चलिए बिल्कुल टाइप वाइज पढ़ेंगे अच्छे से, बिल्कुल चिंता नहीं करनी, चीजों को समझने का प्रयत्न करें। देखिए प्रतिशतक यानी आपकी हर बात किसके ऊपर होनी चाहिए दोस्तों, 100 पर होनी चाहिए, ये चीज आपको समझ के चलनी है। जैसे देखिए, अगर मैं बोलूं किसी कक्षा में यदि पास 70% हुए तो आप बोलोगे फेल कितना हुआ, 30%। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि 30 कहां से आया। अगर हम बोले कि किसी चुनाव में जीतने वाले को 65% वोट मिले, तो आप ये कह पाओ कि हारने वाले को 35% वोट मिले। वापस सुन लीजिएगा दोस्तों, अगर आपको बोले कि जीतने वाले को 65, तो आप बोल पाओ कि हारने वाले के 35% हो। क्लियर है ना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ये चीज अगर आप समझ रहे हो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगली बात हमें क्या समझनी है दोस्तों, अगली बात हमें समझनी है वृद्धि और कमी। अगर हमें कोई बोले 100, अगर किसी संख्या को 10% बढ़ाए, यहां बिल्कुल रेड मार्कर का ध्यान रखेंगे सुनील जी, यहां देखिए 10% बढ़ाए तो हम लोग पहुंचे 110 पर, यहां लिख देता हूं ताकि अच्छे से दिखे आपको 30, ओके। 20% बढ़ाए तो 120,
10% घटाएं तो 90, 20% घटाएं तो 80। इसका सीधा सा मतलब यह है, अगर आप बढ़ाओगे तो 100 पर बढ़ाना है और अगर आप घटाओगे तो 100 पर घटाना है। वापस सुन लीजिएगा दोस्तों, बढ़ाना है तो भी 100 पर, घटाना है तो भी 100 पर, क्योंकि इस टॉपिक का नाम है प्रतिशत। हर बात आपको शत के ऊपर करनी है और शत होता है शतक का, और शतक कितने रन का होता है प्यारे दोस्तों, 100 रनों का। क्लियर है? चलिए, एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड नहीं हुआ अरविंद कुमार जी, जैसी जानकारी होगी आपको बता दिया जाएगा। ये चीज उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। अब ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, हमें दो प्रकार के प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। पहला प्रश्न हमें ये होता है कि हमें प्रतिशत ज्ञात करना पड़ेगा, पहला प्रश्न ऐसे ही आएगा। और दूसरा प्रश्न हमारे पास होगा जिसमें ऑलरेडी हमें प्रतिशत दिया होगा। फिर हम दोनों को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे हम लोग पहचान करेंगे कि हम लोगों को कहां पर प्रतिशत ज्ञात करना है और कहां पर प्रतिशत हमें दिया हुआ है, तो वो चीज अभी मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि आपको चीज अच्छे से समझ में आए। चलिए, बिल्कुल पुराने पेपर आपकी जो मैराथन क्लास होगी ना, उसमें पुराने पेपर कराऊंगा, ठीक है? बिल्कुल। चलिए, अभी चीजों को समझने का प्रयत्न करना। जैसे हमारे पास प्रश्न ये है, 36 72 का कितना प्रतिशत है? देखिए, मैं एक प्रश्न इतना सिंपल इसीलिए ले रहा हूं ताकि जैसे ही पहला लॉजिक समझ में आएगा आपको अगली वैल्यू कैसी भी आ जाएगी आप सरल कर लोगे। 36 72 का कितना परसेंट है? और यहां प्यारे दोस्तों 360 का 20% कितना होगा? ये दो प्रश्न हैं, इनको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। चलिए, अब चीजों को समझते हैं। यहां पर हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, यहां पर हमें प्रतिशत दिया हुआ है। वापस सुन लीजिएगा, यहां पर हमें प्रतिशत ज्ञात करना है और यहां पर हमें प्रतिशत दिया हुआ है। ये दोनों चीजों को जब आप समझ लोगे तो फिर आपके लिए सारी बातें आसान हो जाएगी। चलिए, तो यहां कितना प्रतिशत होगा, तो लिखेंगे 36/72 और परसेंटेज के लिए गुणा किससे, 100 से। अब आपको भी ये तो गुरुजी हम लोग डायरेक्ट ही बता देते 50% है, लेकिन वो आया कैसे वो समझना ज्यादा जरूरी है ताकि कल को 36 की जगह 3600 भी आ जाए तो घबराने वाली बात नहीं है। चलिए, तो यहां देखिए, जिस संख्या के साथ का या से लगा रहता है वो वैल्यू हमेशा बटे में आती है। जिसके साथ क्या लगा रहता है, का या से। क्लियर है ना चीजें? चलिए, तो यहां देखिए 36 से 72 कटा दो बार, बटे में आ गया, 2 से ये 100 कटा 50 बार। याद रखना, किसी भी नंबर का प्रतिशत ज्ञात करना हो तो उसका गुणा 100 से करते हैं, ये चीज आज हमें सीखनी है। और किसी भी नंबर का प्रतिशत दिया हो तो हम 100 से क्या देते हैं, भाग देते हैं। ये दो चीजें जब समझ लोगे ना तो हमारे लिए बातें बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है दोस्तों? चलिए, 360 का 20% है तो आप बताओ 20 के बटे में कितना, 100। अब आप कहोगे हमने यहां गुणा किया था तो यहां भाग क्यों दिया, यही तो पहचान सीखनी है। क्योंकि दोस्तों हमें यहां प्रतिशत ज्ञात करना था और ज्ञात करना था तो गुणा किससे, 100 से। और अगर प्रतिशत दिया हुआ है, ये पहचान होती है यहां पर, अगर प्रतिशत दिया हुआ है तो हम लोग 100 से क्या देंगे, भाग, 0 से 0 कटा, 36 दूना 72। तो ये चीज अगर आपको समझ में आ गई फिर टॉपिक की आगे की बातें भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। काफी बार एक लॉजिक आता है दोस्तों, हमारे से ये बोला जाता है कक्षा में लड़कों का प्रतिशत बताओ, कक्षा में पास होने वालों का प्रतिशत बताओ। तो हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई क्लास में 72 जने थे, 36 पास हुए, गुणा 100 कर दो तो आपका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है दोस्तों? चलिए, बहुत अच्छे से समझाने का एक बार वापस समझिएगा। परसेंटेज ज्ञात करना हो तो गुणा 100, परसेंटेज दिया हो तो भाग 100, ठीक है? चलिए, बिल्कुल रंजन कुमार जी, अब चीजों को समझने का प्रयत्न करना एक बार। मैं पहले आपको वो प्रश्न सिखाता हूं कि किस प्रकार आप लोग अपना प्रतिशत ज्ञात करोगे, ठीक है? वो मैं सिखाता हूं। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास प्रश्न ये है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 प्रश्न हमें सॉल्व करने हैं ताकि हमारा फर्स्ट टाइप अच्छे से कंप्लीट हो जाए, फिर सेकंड टाइप की ओर चलते हैं। बिल्कुल, इंग्लिश में भी मैं प्रयास करूंगा हर वर्ड को बोल पाऊं। 12,
48 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। दूसरा प्रश्न है हमारे पास प्यारे दोस्तों, यहां पर 320 80 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 54 का कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत 18 है, प्रतिशत 18 है। ठीक है दोस्तों, या फिर 80 का कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत 80 है, यह प्रश्न है हमारे पास। या फिर हमारे पास प्रश्न है 36 सेकेंड एक घंटे का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 200 मीटर 4 किलोमीटर का, 5 लिख दीजिए, 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। बहुत अच्छे अच्छे सिलेक्टिव क्वेश्चंस रखें, कितना प्रतिशत है ये हमें सॉल्व करने, तो प्रयास कीजिए आप लोग जितना इसे सॉल्व कर पाए। और उम्मीद करता हूं सब लोगों के पास जो हमारी ई बुक है वो जरूर आप लोगों ने ली होगी, और जिन्होंने अभी ई बुक नहीं ली है दोस्तों बता देता हूं परसों इसे 5 तारीख से उसकी प्राइस बढ़ा दी जाएगी। तो जो भी विद्यार्थियों ने अभी नहीं लिया जल्दी से उसे ले लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत अच्छे से आप लोगों को एक बेसिक लेवल से समझाने का प्रयास किया गया है। तो आप लोग, उसकी प्राइस मात्र 50 रुपए रखी गई है ई बुक की पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप उसे अपने पास रख सकते हो अच्छे से डाउनलोड करके, जो टॉपिक्स है उनको अच्छे अच्छे से पढ़िए। और साथ ही दोस्तों धीरे धीरे हम लोग इनके वीडियो सॉल्यूशन भी स्टार्ट करेंगे, ताकि आप लोगों के पास एक अच्छे से चीजों को समझने का एक और मौका मिल जाए। ठीक है दोस्तों, उसके अंदर हम लोग सिर्फ वीडियो सॉल्यूशन में आंसर सॉल्यूशन कराएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे तो सिर्फ आंसर सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन जिनके पास बुक रहेगी उनके पास ऑलरेडी होगा, तो ये उन विद्यार्थियों को और मदद हो जाएगी जो इस बुक को परचेज कर पाते। ठीक है, मात्र 50 रुपए इसकी प्राइस रखी गई है दोस्तों, और लिंक मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर दे रहा हूं, जिनके पास नहीं होगा तो वो जाके अभी ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं फिर हम लोग। जल्दी से आंसर बताइए आप लोग, लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं, जिन विद्यार्थियों के पास नहीं है। चलिए लिंक शेयर कर दिया, जो भी विद्यार्थी एसएससी के दोस्तों उनके लिए तो और भी बहुत बेहतरीन बुक है, क्योंकि उनके पास अगर समय कम समय में आप लोग अगर अच्छे से नोट्स को पूरा पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। जिन भी विद्यार्थियों के अभी जो 11 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं उन सबके लिए, चलिए चीजों को समझते अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं हम लोग। आपके पास क्वेश्चन लिखे हैं, फिर एक टाइप और बचा है उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा, चलिए वो भी मैं लिख देता हूं, ठीक रहेगा। जैसे 2/3, 3/4 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, या 4/5 लिख दीजिए, थोड़ा अच्छा प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, 2/3, 4/5 का कितना प्रतिशत है। चलिए इन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं हम लोग यहां से, 12/48 और गुणा किससे करोगे, 100 से। जिन भी विद्यार्थियों को लिंक चाहिए मुझे बता देना, मैं शेयर करवा दूंगा हाथों हाथ आपके लिए लिंक। 12 से 48 चार बार, तो आंसर होगा 25%। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला तो मेरे हिसाब से हर विद्यार्थी ने परफेक्ट सॉल्व किया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न, ठीक है, 320 80 का, तो बटे में 80 और गुणा किससे, 100 से। काफी विद्यार्थियों को यह भी लगता है कि यहां पर लिंक अभी शेयर हो रहा है आपके साथ, यहां पर बड़ी वैल्यू बटे में आती, जबकि ऐसा नहीं होता दोस्तों। जिस वैल्यू के साथ का या से रहता है वो वैल्यू हमेशा कहां पर आती है, बटे में आती है। क्लियर है ना चीजें अच्छे से,
तो यहां देखिए 0 से 0, 8 से 32 कटा 4 बार, तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 400%। और उम्मीद करता हूं काफी जनों का उत्तर 400% आया होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हजारी जाट जी, आपका उत्तर लगभग सारे आपने बता दिए, बहुत बढ़िया। अभिषेक जी 1600 बता रहे हैं। इसको समझते हैं, 54 का कितने परसेंट 18 है। अब विद्यार्थी को यह समझ में नहीं आ पाता कौन सी वैल्यू बटे में रखें। ठीक है, बड़ी वैल्यू लिख देंगे, चिंता मत कीजिए। तो कौन सी वैल्यू बटे में रखनी है, 18 बटे में 54 और गुणा किससे, 100 से। अब बताओ प्यारे दोस्तों, मैंने 54 को बटे में क्यों रखा, क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ, का लगा हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए 18 से 54 तीन बार और 100 बटा 3 होता है 33, सही 1/3%। क्लियर है दोस्तों। ये बुक दोस्तों हमारे एजुकेशन अड्डा की है, ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा के नोट्स की ई बुक है, अच्छे से आप लोग इसे जरूर पढ़िएगा। 80 का कितने प्रतिशत 80 है, तो क्या लिखेंगे, 80/80 और गुणा किससे, 100 से। 80 से 80 कैंसिल, तो हमारा उत्तर कितने परसेंट बढ़ा, 100%। ठीक है दोस्तों, चलिए अब समझते हैं बात को अच्छे से। 36 सेकंड एक घंटे का, तो 36/3600 और गुणा किससे, 100 से। अब आपको ये 3600 कहां से आ गया, तो देखिए दोस्तों ये सेकंड में था, ये आवर में था। तुलना करते समय इकाई क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तुलना करते समय इकाई क्या होनी चाहिए, समान। तो एक घंटे में सेकंड कितने हो गए, 3600। 0 से 0, 36 से 36 कटा एक बार, तो आंसर कितना बना, 1%। समझ में आया, बहुत बढ़िया। काफी विद्यार्थी के उत्तर आए। कमलेश जी आपका उत्तर आया 1%, ठीक है बिल्कुल। सचिन जी, पंकज कुमार जी, काफी जनों ने आंसर बता दिया। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। 200 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, 200 मीटर 5 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर में 5000 मीटर और गुणा किससे, 100 से। 0 से 0, 0 से 0, तो आप बताइए आपका आंसर बनेगा 4%। समझ में आ रही बात अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट वन। 2/3 4/5 का, अब देखो 4/5 बटे में आएगा, ये चीज अगर आप समझ लोगे ना, बटे में 4/5 और गुणा किससे करोगे, 100 से। इस बटे को देखकर घबराना नहीं है, ठीक है दोस्तों। देखिए वापस देखिए, 2/3 बटे में 4/5, ये समझ में आ रहा अच्छे से। और आप देखिए अब क्या होगा, 4/5 ऊपर जाके क्या बनेगा, 5/4। तो 2/3 × 5/4 और गुणा किससे, 100 से। ठीक है, 4 से कितनी बार कटा दोस्तों, 25। 125 × 250/3, तो 83 से 1/3, ऐसे कुछ आपका आंसर आएगा, जो भी आपका आंसर आ रहा है। इसको देख लीजिएगा आप लोग, इसको सरल कीजिएगा, 24 83 से 1/3, ये कुछ आंसर बनेगा आपका, देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 83.33, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। ये एसएससी जीडी का स्पेशल बैच है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या है उसको समझते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास। यहां देखिए अब हम लोग क्या क्या, इस जो ये सारे क्वेश्चन थे इसके अंतर्गत हम लोगों ने यहां से परसेंटेज ज्ञात करना सीखा। अब हम कैसे करेंगे जब हमें परसेंटेज दिया हुआ है। चलिए बिल्कुल, काफी विद्यार्थियों ने सीखा है हमारे से, बहुत बढ़िया। आपका बहुत बहुत थैंक यू इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। वीडियो को आप सब जने लाइक करते रहिएगा कंटिन्यू, अब लाइक वाली कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू करते रहना है। चलिए अगले प्रश्न सॉल्व करते हैं हम लोग। 400 का 12% प्लस 300 का 11% इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है दोस्तों, 2700 का 33 से 1/3% प्लस 2100 का 14 से 2/7% बराबर क्वेश्चन मार्क, या फिर 9000 का 12% का 20% का 10% कितना होगा, ये कुछ क्वेश्चन से स्पेशल। कैसे हम लोग इनके आंसर्स बताएंगे वो अब हमें सीखना है। 120 का 12% कितना होगा, या फिर 17 का 11% कितना होगा, कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जिनके आंसर हम लोगों को अभी बताने हैं।
जल्दी से बताइए दोस्तों इनके आंसर्स क्या बनेंगे। चलिए बताइए जल्दी से। बिल्कुल बाबू धान जी सभी का थैंक यू। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कमजोर विद्यार्थियों के लिए कौन सी क्लास है। वैसे उम्मीद मैं आपको कहूंगा कि आप लोग पहली बात आप खुद को कमजोर ना कहें। पिंटू कुमार जी कमजोर विद्यार्थियों के लिए किसी क्लास नहीं, सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास है जिसमें आप लोग अपने अकॉर्डिंग जैसे जैसे चीजें समझ में आती है उसको समझिए। कमजोर कोई नहीं होता दोस्तों, खुद को अगर आप कमजोर बोलोगे तो फिर आप उससे चार गुना ज्यादा कमजोर हो जाओगे जितना हो नहीं उससे। ठीक है तो कमजोर कोई नहीं है, बस हो सकता है आप इस सब्जेक्ट से थोड़ा दूर रहे हो तो आपको लगता है कि सब्जेक्ट को थोड़ा सीखना चाहिए। ठीक है दोस्तों तो ये कोई कमजोर वाली बात नहीं है, आप कोई भी विद्यार्थी कमजोर नहीं है, बस आपको अपनी चीजों को रूटीन में लाना है, पढ़ना है। देखिए काफी सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपने कभी ना पढ़े हो, जैसे आप लोग 10th क्लास तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स थोड़ी पढ़े थे लेकिन फिर भी आप लोगों ने पढ़ के उसको पास किया था ना, तो वो चीज है। हो सकता है मैथ्स आपने कभी ना पढ़ी हो लेकिन अब आप क्या पता शुरू से जो हमने चीजें समझाई है उनको समझेंगे तो चीजें अच्छे से समझ में आएगी। तो उम्मीद करूंगा कोई भी कमजोर नहीं है। ठीक है दोस्तों चलिए तो आप बताइए दोस्तों इसका आंसर समझते अच्छे से। बुक के लिए लिंक आ रहा है आपके पास कंटिन्यूअसली हर थोड़ी देर में, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके बुक ले सकते हैं क्योंकि दोस्तों 5 फरवरी से उसकी प्राइस बढ़ा दी जाएगी। तो आपके पास मौका है दोस्तों तो आप जल्दी से उसको ले लीजिएगा क्योंकि जल्दी आपके लिए बेनिफिशियरी होगा, एक तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चन भी हो जाएंगे आपके पास। चलिए 400 का 12% है तो जब भी परसेंट दिया रहता है तो हम लोग 100 से क्या देते हैं भाग, तो क्या लिखेंगे 400 × 12 बटे में कितना 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 × 4 48 ये बना। ठीक है प्लस 300 का 11% 300 × 11/100, 0 से 0 11 × 3 कितना 33। तो यहां बना प्यारे दोस्तों 48 प्लस यहां बना 33, 8 और 3 11, 7 और 1 8, तो आंसर कितना बना दोस्तों 81। ठीक है आंसर उम्मीद करता हूं सबका आंसर यही आया होगा, जल्दी से बता दीजिए एक बार। बहुत बढ़िया बिल्कुल प्रयास करेंगे इसके लिए। 33 से 1/3% और 14 से 2/7%। एक विद्यार्थी कह रहे हैं आप स्टूडियो में अच्छा सा कैमरा लगे, कैमरे के लिए दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है, चीजें धीरे धीरे इंप्रूव होगी, एकदम इंप्रूव नहीं हो सकती, इसीलिए तो एक छोटा सा प्राइज रखा है इस ई बुक का ताकि आपके पास हमारे एक तरह से नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे और थोड़ा सा एक चैनल के प्रति सपोर्ट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है तो इसको अगर आप समझ के करते हो तो आप लोग क्योंकि कितने देखिए दोस्तों हमने अगर 750 प्लस अगर यहाँ 300 माने तो लगभग 1050 वीडियोज अपलोड कर दिए हैं मैथ से रिलेटेड हमारे चैनल, क्योंकि मैथ्स का ही टारगेट है दोस्तों 99% हमारा चैनल मैथ्स से ही है। कुछ चीजें मैंने जीके की भी इंप्रूव की है आपके लिए, करंट अफेयर के कुछ स्पेशल टॉपिक्स भी मैंने कराए हैं लेकिन मेन टारगेट हमारा मैथ्स का है। ठीक है दोस्तों तो ये आप सोच के देखो कि 1050 वीडियो आपके लिए अपलोड किया तो आप उनको धीरे धीरे पढ़ेंगे तो वो आपके लिए बहुत इंप्रूव होंगे और वो पढ़ के आप लोग जरूर कहेंगे कि भाई आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, वो आप खुद समझ सकते हो, मैं इतना ज्यादा कहूंगा नहीं आपको, जैसे आपको उचित लगता है वैसा आप कर सकते हैं दोस्तों, सपोर्ट आपके ऊपर निर्भर करता है सब कुछ। बिल्कुल चलिए अब समझते हैं बातों को। 33 से 1/3% तो प्यारे दोस्तों याद रखिएगा 33 से 1/3% का मान 1/3 होता है, 14 से 2/7 का मान 1/7 होता है, 11 से 1/9 का मान 1/9 होता है या 9 से 1/11 का मान 1/11, ये कुछ भिन्न होती है दोस्तों जो अगर आपको याद रहेगी तो आप लोग अपना आंसर डायरेक्टली बता सकते हो, याद नहीं होगी तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों चलिए तो मैं यहाँ कुछ भिन्न लिख देता हूं, अगर आप लोग लिखना चाहो कॉपी में तो भी लिख सकते हो। 100/3% का मान 33 से 1/3% का मान 1/3, 11 से 1/9% का मान 1/9, 9 से 1/11% का मान 1/11, 16 से 2/3% का मान 1/6, 14 से 2/7% का मान 1/7। ये अगर आप इंप्रूव कर लोगे ना तो चीजें आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। ठीक है तो उम्मीद करूंगा कि बॉक्स आप याद कर पाओ, याद होगा तो आपके लिए बिल्कुल तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है बुक का लिंक आपके पास आ रहा है, जो भी विद्यार्थी बुक में इंटरेस्टेड है वो ले सकता है आराम से, ई बुक के फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है
ठीक है दोस्तों, आपके पास तुरंत एक मेल आ जाएगा जैसे आप लोग पे करोगे। उस मेल में तीसरा ऑप्शन होता है डाउनलोड फाइल्स ब्लू कलर का, उस पर आप क्लिक करके अपनी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। तो यहां देखिए 33 से 1/3% का मतलब तो 1/3 होता है, तो आप डायरेक्टली एक काम करिए 2700 का 1/3 पता करिए और 2100 का 1/7 पता करिए। और जो एसएससी जीडी के विद्यार्थी है ना दोस्तों, शुरू में आपने किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, मैंने सोचा सबसे लास्ट में आपसे सपोर्ट की मैं उम्मीद करूंगा, तो उम्मीद ये एक तरह से आप ऐसे भी कर सकते हो या बैच एंड हो जाता उस दिन आप लोगों से मैं जरूर बात वापस करूंगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस बैच के शुरुआत में मैंने इतना कुछ कहा नहीं आपको, क्योंकि मैं चाहता हूं आप एक बार अच्छे से कोर्स को कंप्लीट कर लो, फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए। तो यहां देखिए 2700 का 1/3, तो 2700 का 1/3 होता है 900, और 2100 का 1/7 तो वो होता है दोस्तों 300, और 900 और 300 को जोड़ोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 1200। तो ये एक डायरेक्ट तरीका है जिससे आप लोग अपना आंसर डायरेक्टली बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल अंकुश कुमार जी, तो 33 से 1/3 का मतलब 1/3 और 14 से 2/7 का मतलब 1/7, डायरेक्टली आप ये पता कर लीजिए। एक बार इन दोनों को लिख दीजिए, फिर मैं थोड़ा इनको क्लियर कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, जल्दी से लिखिए इसको। चलिए, और किसी भी विद्यार्थी को अगर पे करने के बाद भी कोई दिक्कत आ जाती है तो वो अपना मैसेज education@live@gmail.com पे मुझे आप लोग अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको तुरंत रिप्लाई कर दिया जाएगा। अगर कुछ दिक्कत आती है तो पेमेंट जो आपने कर दिया है उसका स्क्रीनशॉट भेजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहां देखिएगा इसका मान 1/3 एक बार लिख लिया सभी ने, तो फिर मैं इसको क्लियर करता हूं ताकि थोड़ी जगह हो दोस्तों लिखने के लिए। यहां पर ये वैल्यूज एक बार मैं थोड़ा इधर कैमरा घुमा देता हूं ताकि आप लोग इन वैल्यूज को कॉपी में लिख पाओ। जल्दी से लिख दीजिए इसे, इन वैल्यूज को जल्दी से कॉपी में लिख दीजिए। बिल्कुल रोहित जी बताइए, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा। 9000 का 12% तो 12/100, फिर 20% तो 20/100, फिर 10% तो 10/100। ये तीन बार लिखा है, इस बात से हमें घबराना नहीं है। ऐसे नहीं कि आप सोचो पता नहीं ये प्रश्न कैसे सॉल्व होगा, तीन बार लिखा है तो आप लोग इसको तीन बार कर दीजिए, लिख दीजिए। चार बार हो तो आप लोग चार बार। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहां देखिए 3 0 से 3 0, 2 0 से 2 0 सॉल्व कर लीजिएगा। 12 × 9 108, 108 का दुगुना 216 बटे में कितना 10, और 216 बटा 10 करोगे तो आएगा 21.6। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा 21.6। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों हम लोग। फिर नेक्स्ट हमारा क्या प्रश्न है, 120 का 12% कितना होगा।
तो 120 का 12% होता है दोस्तों। ये अभी फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। एक बार बेसिक सीखने के लिए इनको स्टेप को पार करना पड़ेगा। सीधे आप दोस्तों साइंटिस्ट नहीं बन सकते, इस चीज को आप मान के चलना, ठीक है। चलिए, एक दो विद्यार्थी आते हैं जिनको क्या होता है, कहते हैं ऐसे प्रश्न आते या नहीं आते, उनको लेवल का पता, इतने ही लेवल का पता चल जाता है दोस्तों, तो किसी स्टूडेंट्स को पढ़ाइए, उनका भला हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कुछ विद्यार्थी आते हैं जो कहते हैं कि जैसे अभी एक लक्ष्मण कुमार जी ने मैसेज कुछ किया था, कैसे प्रश्न एग्जाम में नहीं आते। बिल्कुल मुझे नहीं पता दोस्तों आते या नहीं आते, क्योंकि आप लोग कहना मानोगे नहीं, मैंने हमेशा बोला दोस्तों अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं जीडी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा आपको, वो प्रश्न पढ़ाऊंगा जो जीडी के एग्जाम में बन सकते हैं। अब आप लोग पता नहीं एसएससी सीजीएल के क्रैक किए हुए इंसान होंगे तो आपको हो सकता है ये लगेगा ये प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जीडी वाले विद्यार्थियों के लिए ये वरदान है। क्या है दोस्तों? वरदान। इस चीज को मान के चलना, जब आप इस बेसिक लेवल को पार करोगे ना तब चीजें समझ में आएगी, ठीक है। चलिए, तो कुछ इन महान आत्माओं से उम्मीद करता हूं कि अब चीजों को समझ आएगी अच्छे से। चलिए बढ़े आगे फिर, बिल्कुल, क्योंकि अभी देखिए आप, मैंने पहले बोला ना अभी मात्र फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हुआ है, तो आप ये तो देख लीजिए इस परसेंटेज का कौन सा पार्ट चल रहा है। ज्यादा लेवल के प्रश्न पढ़ने तो आप लोग इससे पहले मैंने जो वीडियोस अपलोड किया ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन एडा पे, उसमें मेरे सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं 9 से 10 पार्ट में परसेंटेज, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। 120 का 12% है तो 12/100, 0 से 0, 12 × 12 144/10, 500 × 14.4, ठीक है दोस्तों। वैसे आप लोग ट्रिक ये भी लगा सकते हो डायरेक्टली कि 1% 2 जीरो काटता है, यानी 1 जीरो तो कट गया, 1 बचा हुआ है, तो 1 अंक के बाद क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, ठीक है दोस्तों। हाँ बिल्कुल, सभी लोगों की क्षमता एक जैसी नहीं हो सकती ना दोस्त, इसीलिए हमको हमारे सारे विद्यार्थियों को लेके चलना पड़ता है। मैं ये समझता हूं दोस्तों कि मेरे पास हर कमजोर से कमजोर विद्यार्थी हो वो भी इस चीजों को समझ पाए, यानी ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने गणित कभी ना पढ़ी हो, ठीक है, भले आर्ट से हो, भले संस्कृत पढ़ रहे हो आप पिछले 10 साल से, फिर भी आपको गणित समझ में आएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए दोस्तों, 17 का 11%, तो 17 का 11% 17 × 11/100, 17 × 11 कर लीजिएगा कितना आएगा, 187/100, तो हमारा उत्तर बनेगा 1.87, ठीक है दोस्तों। चलिए एक दो प्रश्न में और अच्छे से बात समझा रहा हूं दोस्तों, यहां इस बात को समझने का प्रयत्न करना, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल चलिए, एक प्रश्न ऐसा भी आता दोस्तों कि 3:5 को प्रतिशत में बदलो, ये बहुत छोटा प्रश्न है लेकिन आपको मैं बता दूं ये एसएससी जीडी का आया हुआ प्रश्न है, 3:5 को प्रतिशत में बदलो। अब देखो अगर आपको बेसिक थोड़ा बहुत भी कहीं पढ़ा हुआ ना तो भी आप इस प्रश्न को गलत करके नहीं आओगे, ठीक है। 3:5 को परसेंटेज में, तो 3/5 और गुणा किससे, 100 से, 5 से 1 = 20 बार, आपका उत्तर आ जाएगा दोस्तों 60%। लेकिन जब तक आपको यही पता नहीं होगा तो 3:5 को 3/5 कैसे बदलोगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अनुपात का सामान्य अर्थ होता है बटे से। जल्दी से एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं दोस्तों। चलिए अब मिटाते हैं इसको, उम्मीद करता हूं सभी ने अच्छे से चीजों को समझा होगा अभी तक। ये 2 टाइप के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, 2 से 3 टाइप के। अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, उस चीजों को समझते हैं। प्रश्न ये है दोस्तों हमारे पास, किसी संख्या का 12% 72 है तो इस संख्या को ज्ञात करते हैं पहले, तो
तो इस संख्या का मान होगा, तो इस संख्या का मान होगा। पहले एक स्टेप कवर करते हैं फिर अगला स्टेप समझाते हैं। तो इस संख्या का मान कितना होगा जल्दी से बताइए। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, जल्दी सॉल्व करना है इसे। चलिए बहुत बढ़िया, दशरथ कुमार जी, रहीश जी, शालवी दीक्षित जी, बाबू राय जी, संजीत कुमार जी, दीपेंद्र सिंह जी, आप सबने बहुत बढ़िया आंसर बताए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें यहां देखिए 12% 72 के हैं, इसका मतलब आप समझे। देखो परसेंटेज कितना होता है हमारा, परसेंटेज होता है 100, लेकिन 100 की बात नहीं हो रही है, 100 में से आज बात कितने की हो रही है, 12 की। अब एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, बहुत अच्छे से समझिएगा कि अगर 100 में से 12 जनों पर खर्चा 72 का आता है तो हमारे एक जने पर खर्चा कितने का आएगा, 72/12, एक कितने का, 6 का। और 1% अगर हमारे 6 का पड़ा दोस्तों, तो आप बताइए हमारे 100% कितने के, तो 6 × 100, तो आंसर कितना, 600। तो वापस समझिएगा दोस्तों कि 12% 72 में आते हैं तो एक कितने का पड़ा, 6 का, और अगर हमारे एक 6 का पड़ा तो 100 कितने के पड़ेंगे, 600 के। अब दोस्तों इससे सरल तो क्या होगा, मैं इसको और समझाने का प्रयत्न करता हूं। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए सब जने, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, किसी को भी बुक का लिंक नहीं मिल रहा है तो शेयर किया जा रहा है, बुक का लिंक लिखा हुआ है, आप लोग उसे देख सकते हैं। और जिन्होंने आरपीएफ के एग्जाम दिए दोस्तों, उनको जरूर पता होगा जो चीजें आप पढ़ के गए हो वही चीजें एग्जाम में आती है, बस एक विश्वास होगा दोस्तों, अच्छे से चीजों को बिलीव करके पढ़ोगे तो वो आपके याद भी रहती है और एग्जाम में भी काम आती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो समझा, तो देखो 12 पेन अगर 72 में आते हैं तो हमारा एक पेन कितने का आएगा, 6 का, और अगर हमारा एक पेन 6 का आता है तो 100 कितने के आएंगे, 600 के। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो आप लोग मुझे एक और आंसर बताओ, और मैं अब एक और चीज बता देता हूं, इसमें भी बच्चे एक्स मानते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप अपनी क्लास में इस प्रश्न को करवा के देख लीजिएगा, मैक्सिमम जने इस चीज को ऐसे करेंगे। एक्स का 12% बराबर 72, x × 12/100 = 72, तो x = 72 × 100/12, 12 से ये 6 बार घटा, वो आंसर बिल्कुल सही लाते। मैं ये नहीं कहता कि उनका आंसर गलत है, आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन उनको ये लॉजिक कभी समझ में नहीं आ पाता कि यहां इस प्रश्न में हुआ क्या था, उनको आंसर बिल्कुल परफेक्ट आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए तो अब देखिए वापस समझिएगा, यहां हमने सीधा सरल क्या बोला कि अभी 12 पेन 72 के, तो हमारा एक पेन कितने का पड़ा, 6 का, और एक पेन 6 का, तो 100 कितने के, 600 के। डन इट, बहुत बढ़िया, क्लास अभी और अच्छी चलेगी, आप चिंता मत कीजिए, चीजों को समझिए बस। मुझे आप बताओ किसी संख्या का 18% यदि 54 है तो आपको यह बताना है उस संख्या का, तो इस संख्या का 76% कितना होगा, 76% कितना होगा। अगर 18% 54 है तो हमें यह बताना है इस संख्या का 76% कितना होगा। बताइए दोस्तों, जल्दी से जल्दी बताने का प्रयत्न करें। बहुत बढ़िया, 228 बता रहे हैं आंसर आप सब लोग। चलिए बताइए दोस्तों आंसर, बुक का लिंक आ रहा देख लीजिए एक बार आप लोग। तो यहां देखिए 18% अगर 54 के पड़े तो हमारा 1% कितने का, तो 1% प्यारे दोस्तों पड़ा 54/18,
कितने का पड़ा? 3 का। इसका मतलब समझे कि भाई 18 पेन चौपन में आते हैं, तो हमारा एक पेन कितने का? पेन देख लीजिए अच्छे से, एक पेन कितने का? 3 का। और एक 3 का तो 100 कितने के? 300 के। लेकिन अब एक बात सुनिएगा, 100 पर नहीं जाना है, हमें जाना है 76 पे। तो 76% के लिए 76 × 3, 6 × 3 = 18, 21 और 1 = 22, तो आंसर बना 228। चीजें समझ में आई होगी दोस्तों अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। चलिए बहुत अच्छा वाला प्रश्न था। एक और चीज है, ये प्रश्न ऐसे भी लिखा हुआ था ना तो भी आप सरल करके बताओगे आज के बाद, घबराना नहीं इन प्रश्नों से। जैसे प्रश्न है हमारे पास, x का 17% 85 है, तो x का मान होगा, तो घबरा क्यों रहे हो? प्रश्न तो वही है ना, लॉजिक थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट बताया है। क्या कह रहा प्रश्न? कोई संख्या है जिसका 17% 85 है, अब बताओ मुझे क्या इससे सरल प्रश्न होगा क्या? आप बोलोगे भाई 17% 85 के आ रहे हैं ना, तो हमारे 1% कितने का? 5 का। और 1 5 का तो आप बताइए 100 कितने के? 5 × 100, तो आंसर कितना? 500। भले ही उन्होंने x में दिया हो, फिर भी आप लोग उसको x से बिना भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है ना चीजें? ओके अब समझते बातों को। अब अगला प्रश्न हमारे पास है, प्रश्न ये है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण के लिए 48% अंक लाना अनिवार्य है, अंक लाना अनिवार्य है यानी जरूरी है, कंपलसरी। यदि एक विद्यार्थी, जिन्होंने हमारा मेन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा, जिसपे 11 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, यदि एक विद्यार्थी 37% अंक प्राप्त करे तथा 99 अंकों से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक होगा, तो परीक्षा का पूर्णांक होगा, यह आपको पता करके बताना है कि इस परीक्षा का पूर्णांक कितना होने वाला है। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या आंसर आएगा। बिल्कुल सभी का थैंक यू, रोज क्लास होगी, जो भी आप है प्रवीण कुमार जी, जो भी है दोस्तों रोज क्लास होगी, अब आगे से कंटिन्यू प्रयास करेंगे, क्योंकि 2-3 दिन से कंटिन्यू क्लास अब चल रही है प्रॉपरली। मिडिल में दोस्तों थोड़ा बुक के रिलेटेड थोड़ा उसमें टाइम लग गया था, अच्छे से नोट्स बनाने में, आपके लिए ट्रिक्स बनाने में, इसलिए ठीक है। बहुत बढ़िया, वापस सुन लीजिएगा, 48% अंक लाना जरूरी है, एक विद्यार्थी 37% लाया और 99 से फेल हो गया, तो आपको बताना इस परीक्षा का पूर्णांक कितना था। पूर्णांक का मतलब होता है दोस्तों टोटल नंबर्स, ठीक है। चलिए तो प्यारे दोस्तों एक बात को समझिए, अगर आपको उत्तीर्ण ही होना है तो आपको तो 48% लाने ही लाने, लेकिन एक विद्यार्थी है जो ये कह रहा है कि भाई मुझे सिर्फ 37% मिले। अब आप कहोगे भी जब लाने 48 है और आप 37 लाए हो, इसका मतलब आप फेल हुए हो, लेकिन यहां पर आप उसे ये नहीं बोलोगे कितने से फेल हुआ, क्योंकि वो तो प्रश्न में, आप इसको परसेंटेज में क्या बोलोगे? आप इसको परसेंटेज में बोलोगे भी आपके 11% कम पड़ गए। कितने कम पड़े? 11, जबकि आपने तो उसको 11 का कहा, जबकि वो कह रहा मेरे तो 99 नंबर कम पड़े। फिर वापस आपने कहा कि दोस्त आपके 11% कम है, जबकि उसने तो कहा कि मेरे 99 अंक कम है। तो यहां से हमें लॉजिक समझ में आ गया कि आज हमारे 11 पेन कितने के आते हैं? 99 के। तो अगर 11 पेन 99 के आते हैं तो एक पेन का मूल्य 99/11 कितने का? 9 का। और एक पेन 9 का पड़ा तो आप बताइए 100 पेन कितने के? तो 9 × 100 करोगे तो आंसर कितना? 900। तो इस तरीके से आप चीजों को बहुत इंप्रूव कर सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। पास फेल हार जीत, इतने अंकों से पास हो गया, इतने अंकों से फेल हो गया, तो कुछ वर्ड्स है दोस्तों, पास फेल हार जीत कम अधिक देरी पहले लाभ हानि, ठीक है दोस्तों। ये सब चीजें हमेशा अंतर को बताती है, किसको बताती है दोस्तों?
अंतर को बताती है, डिफरेंसेस को। क्लियर है ना चीजें? लाने तो 48 थे, मिले कितने? 37। कितने से फेल हुआ? तो हमारे तो अंतर परसेंटेज में तो 11 का ही पड़ा और अंकों में कितने का? 99 का। और 11% अगर 99 के पड़े तो हमारे 1% कितने का दोस्तों? तो 1% 9 का, और 100 कितने के? 900। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अब हमारे पास प्रश्न थोड़ा डिफरेंट हो तो उसे हमें किस प्रकार सॉल्व करेंगे? डिफरेंट क्वेश्चन को समझते अच्छे से समझिएगा बात को। चलिए प्रश्न हमारे पास इस प्रकार है। अब देखो ये तो सिंगल का प्रश्न था, यही प्रश्न अगर हमारे पास डबल का होता तो हम उसको किस प्रकार से सॉल्व करते, उस चीज को समझते हैं हम लोग। प्रश्न ये हमारे पास किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण के लिए पर, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए रहने दीजिए, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को, डबल का क्वेश्चन लिखते हैं, एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले तथा 20 अंक से फेल हो गया, 20 अंक से फेल हो गया। उसी परीक्षा में और उम्मीद करूंगा दोस्तों कि इस बार एसएससी जीडी में आप लोग जरूर सफल हो, इसकी शुभकामनाएं दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों के साथ। बस मेहनत आपके ऊपर है कि भी आप इन चीजों पर कितनी मेहनत करते हो। जब हम इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो एक मैराथन क्लास रहेगी जिसमें जो भी एसएससी जीडी में अभी तक जो प्रश्न बने हैं मैथ्स के वो सब हम कंप्लीट करेंगे, जो भी मैराथन क्लास होगी 3-4 घंटे की उसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को, बस आप लोगों का सपोर्ट है दोस्तों, इतने सारे विद्यार्थी आप एक साथ लाइव आते हो इसके लिए बहुत बहुत सभी का थैंक यू। एक अन्य विद्यार्थी को 52% अंक मिले और वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक लेकर आया तो परीक्षा का पूर्णांक होगा, तो परीक्षा का पूर्णांक होगा। तो ये आपको सिंप्लीफाई करना करके बताना है, और पूर्णांक का मतलब दोस्तों टोटल नंबर ऑफ, कितने नंबर है उसको सिंप्लीफाई करना है कि टोटल नंबर्स कितने होंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है और उम्मीद करूंगा कि आप मुझे जल्द से जल्द आंसर बता पाओ। चीजों को धीरे धीरे इंप्रूव कीजिए, बहुत बेनिफिट होने वाला आपको। वीडियो को लाइक करते रहिएगा सब जने, और शेयर तो करना ही करना है सभी को। जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों, जल्दी से। 400 बहुत बढ़िया। तो यहां देखिए मैं इस चीज को अच्छे से समझाने का प्रयत्न करता हूं कि ये भी हमारा फर्स्ट स्टूडेंट है और ये हमारा सेकेंड स्टूडेंट है। इसमें फर्स्ट स्टूडेंट के 40% बने और वो कितने से फेल हो गया? 20 अंक से। और दूसरे विद्यार्थी के 52% अंक बने और वो कितने से फेल हो गया? 28 अंक से। कहने का मतलब स्पष्ट है, एक विद्यार्थी तो पास हो रहा है और एक विद्यार्थी फेल हो रहा है। लेकिन मुझे आप सब लोग बताओगे, एक चीज का आंसर बताओगे पहले, इन दोनों के बीच परसेंटेज गैप कितने का है? जल्दी से बताओ, इन दोनों के बीच परसेंटेज गैप कितने का है वो बताओ पहले, क्योंकि लॉजिक क्लियर करने बहुत जरूरी है। परसेंटेज में कितने का डिफरेंस है? सुरेश डूडी जी नमस्कार। जितेंद्र गौतम जी आपका आंसर 12% आ रहा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ब्रिजेंद्र जी, चलिए तो यहां अंतर कितने का पड़ा? आप तो कह रहे हो 12% का। अब देखो परसेंटेज में तो बिल्कुल आप कहोगे दोनों के बीच 12 का गैप है, लेकिन आप लोग मुझे बताइए कि इनके बीच अंकों का गैप कितने का होगा? जल्दी से बताओ।
विनय सिंह जी, इतना मुझे आता नहीं है 70% तो मैं कैसे बताऊं, क्योंकि अभी तो मुझे हो सकता है कि भी आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहा होगा कि 70% है और 70% कितना होगा। रात दिन का फर्क है दोनों प्रश्नों में, एक का उत्तर आएगा 100%, एक का उत्तर आएगा 49। तो उम्मीद करूंगा कि अब आपका लॉजिक कैसे क्लियर होगा। इस प्रश्न को देखना है तो समझिए यहां परसेंटेज ज्ञात करना है। इस प्रश्न को देखोगे तो यहां परसेंटेज दिया हुआ है तो बहुत डिफरेंस है। यहां लिखोगे 70/70 × 100 तो उत्तर आएगा 100%। ये रीट परीक्षा में आया हुआ प्रश्न था, बस यहां वैल्यू 80 लिखी हुई थी, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर आप यही चीज अगर परसेंटेज दिया हुआ हो तो 7 × 7 या गुण 50 हो जाएगा, क्योंकि 2 0/100 आने से कैंसिल हो जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा जो भी आपने जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा था उनको जवाब मिल गया होगा कि भी इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो बस हाँ, वो कंफ्यूजन रह सकता है भी आपके दिमाग में कि भी ऐसा प्रश्न वहां पर तो हमारे 100 आया था जबकि यहां पर, तो यही वजह होती है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन बहुत क्लोज है ना इसलिए। चलिए तो यहां 12% और अंकों में अंतर कितने का, ये 20 अंक तो कम मिले और इनको 28 अंक ज्यादा मिले। तो देखिए दोस्तों यहां पर 20 और 28 तो गैप कितने का पड़ा, 48 का। समझ रहे हो ना बातों को अच्छे से, परसेंटेज में 12 का, अंकों में 48 का। इसका मतलब क्लियर हो चुका है कि हमारे 12 पेन का मूल्य 48 है तो यहां से एक पेन का मूल्य कितना हो गया 4, 1% 4 का, और 100% कितने के, तो आप बताइए 4 × 100 करोगे तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 400। समझ रहे हो ना बातों को अच्छे से, चलिए बहुत बढ़िया। एक बार शेयर कर दो सब जने, जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए एक बार, मैक्सिमम जने, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो एक और चीज याद रखना, अगर दोनों पास हो रहे हैं तो फिर डायरेक्ट अंतर आएगा, दोनों फेल हो रहे हैं तो भी डायरेक्ट अंतर आएगा, लेकिन अगर एक पास और एक फेल हो तो दोनों की जोड़ आएगी। भाई एक तो कह रहा है मेरे 20 कम है और एक कह रहा है मेरे 28 ज्यादा है, तो 20 और 28 में इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि यहां पर कितना आंसर आ जाएगा, 20 और 28 कितना, 48। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब इस प्रश्न को हम और सरल करते हैं, उम्मीद करूंगा चीज आपको अच्छे से समझ में आए। इसमें कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता परीक्षा का पूर्णांक क्या था, परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या था, वो चीजें हैं। चलिए एक प्रश्न हमारे पास है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को तीस प्रतिशत अंक मिले तथा मिले और वह 40 अंक से फेल हो गया, से फेल हुआ उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 44% अंक मिले तथा वह 12 अंक से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक, उत्तीर्णांक व उत्तीर्ण प्रतिशत होगा। ये हमारे पास प्रश्न है जिसमें हमें पूर्णांक भी बताना है, उत्तीर्णांक भी बताना है और उत्तीर्ण प्रतिशत भी बताना है। ये तीनों चीजें कवर करनी है एक ही प्रश्न में, तो जल्दी से बताइए।
चलिए बहुत बढ़िया, 200 आंसर्स बता रहे हैं, ये 200 तो बिल्कुल चलिए काफी जनों का सही भी आ रहा है। तो आप लोग अपना उत्तीर्णांक भी बताओगे और फिर उत्तीर्ण प्रतिशत भी बताओगे, तीनों चीजें कवर करनी है हमें, जल्दी से बताएं। वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार, लगभग देखिए कम से कम 2000 जने तो लाइव हो, जल्दी से शेयर कर दो एक बार, सब जने मैक्सिमम जने वीडियो को शेयर करें एक बार। चलिए बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने शेयर किया है। चलिए तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, इस चीज को पहले डायग्राम बनाना बहुत जरूरी चीज है, बहुत आसान हो जाएगी। यहां पर 30% है, यहां 44% है, 40 अंक से फेल हो गया, और यहां क्या हो गया पास, यहां भी फेल हुआ लेकिन 12 अंक से। ठीक है दोस्तों, अब एक विशेष बात सुनिए, एक जना तो कह रहा है 30% बने, एक जना कह रहा है 44% बने, और एक जना कह रहा है 40 अंकों से फेल हो गया, एक कह रहा है 12 से। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की, इस बार दोनों ही विद्यार्थी क्या हो रहे, फेल हो रहे। अब एक विशेष बात सुनिएगा, इनके बीच परसेंटेज का डिफरेंस पता करने का बोले तो कितने का डिफरेंस फाइंड आउट होगा, यहां से 14%, 14% का अंतर हुआ दोस्तों 30 और 44 में। मुझे आप लोग अब बताओगे इनके बीच अंकों का डिफरेंस कितने का, ये आंसर करके बताना जल्दी से जल्दी से। 40 और 12 के बीच अंतर कितने का होगा दोस्तों, जल्दी से जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, 28 का अंतर। तो यहां देखिए 14% अगर 28 के पड़े तो 1% की वैल्यू 28/14 यानी ये कितने का पड़ा, 2 का, और अगर एक 2 का पड़ा तो 100 कितने के, 2 × 100 करोगे तो आपका आंसर कितना पड़ा, 200। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जो आपका पेपर था वो कितने नंबर का था, 200 का। क्लियर हुई चीजें, चलिए वापस समझते बात को। 14% 28 के पड़े तो 1% कितने का, 2 का, और एक 2 का तो आप बताइए 100 कितने के, 200 के। तो ये जो 200 आया, ये 200 तो हमारा क्या बना दोस्तों, पूर्णांक बना है, टोटल अंक बने हैं। मेरे हिसाब से ये तो सभी का उत्तर आया भी होगा। एक और चीज है, काफी विद्यार्थियों को ये कंफ्यूजन है, पिछली बार जोड़ा क्यों था, फिर ऐसा इसलिए किया था क्योंकि एक पास हो रहा था एक फेल हो रहा था, तो अंतर बढ़ जाता है। अगर आपसे कोई बोले 5 मिनट लेट 5 मिनट पहले तो अंतर 0 का नहीं होता, अंतर 10 का। लेकिन वही अगर आपसे बोले कि 5 मिनट लेट 3 मिनट लेट तो अंतर 2 का होता है। तो ये चीज समझनी है कि दोनों पास हो तो भी घटाना है, दोनों फेल हो तो भी घटाना है, लेकिन अगर एक पास एक फेल हो तो ये गैप बढ़ जाता अंकों के रूप में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोनों पास होते दोस्त तब भी घटाते हम इसे। 14% 28 के तो एक 2 का, 200 कितने के, 200 के। अब ध्यान देना दोस्तों, 200 का तो 30% इस विद्यार्थी को मिला था, क्या 30 मिलने से वो पास हुआ क्या, नहीं, 40 से फेल हो गया। तो क्या करो, 200 का 30% निकाल के उसमें 40 क्या कर दो, जोड़ दो, भाई जो पासिंग जो उसको मिले थे वो पता करके उसमें जोड़ दीजिए। यहां देखिए 0 से 0 60 बना, 60 और 40 टोटल कितना आया, 100 आया। यानी इस परीक्षा में अगर आपको उत्तीर्ण होना है तो आपके उत्तीर्णांक कितने होंगे, 100 होंगे, और 100 को कोई देख लेगा तो और आराम से ये भी बता सकता है कि उत्तीर्ण प्रतिशत कितना होगा। तो अब आप लोग मुझे बताओ उत्तीर्ण प्रतिशत कितना होगा, उत्तीर्ण प्रतिशत कोई भी विद्यार्थी बता सकता है, 100 वाला पास हो रहा है 200 में से गुणा 100, वो आधा है या नहीं है, और आधा है तो कितने परसेंट वाला पास होगा, 50%। वे आधा है तो इसका मतलब सीधी सी बात है आंसर हो जाएगा 50%, डायरेक्ट भी बता सकते थे यहां से देख के। तो जल्दी से अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बस उम्मीद करूंगा कि हमारी ये जो मेहनत है दोस्तों, किसी विद्यार्थी के कभी ना कभी कोई ना कोई प्रश्न अगर आपको यहां से हेल्प मिलती है तो हमारा उद्देश्य जरूर पूरा होगा कि आपको चीजें समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़े, फिर अगला प्रश्न हमारे पास क्या है उसको समझते हैं दोस्तों।
प्रश्न ये है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% शिक्षा पर शेष का 20% भोजन पर तथा शेष का 10% किराए पर खर्च करे तो उसके पास किराए पर खर्च करे तो उसके पास ₹21,600 की बचत हो तो उसकी कुल आय होगी। यह हमें सॉल्व करके बताना है दोस्तों कि इसका आंसर क्या बनने वाला है। जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए आंसर्स। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, सभी के आंसर्स आ रहे हैं, इस चीज को समझते हैं। अब देखो, अगर आप सीधा सॉल्व करने लग जाओगे तो प्रश्न बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां बात हो रही है शेष की, यहां डायरेक्ट प्रश्न नहीं है। इस चीज को समझिएगा थोड़ा, ये शेष वाला प्रश्न है। सीधा प्रश्न होता ना तो हम 25 और 20 45 और 10 55 को जोड़ के फिर जो रिमेनिंग है उसको सॉल्व कर लेते, लेकिन ऐसा इस प्रश्न में नहीं होने वाला। तो इस प्रश्न में क्या करेंगे दोस्तों, उस चीज को समझते अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 25% खर्च हुआ तो रिमेनिंग कितना 75, फिर यहां पर 20% भोजन पर, वो भी शेष का, तो हमें 75 का 20% पता करना पड़ेगा। अब आप लोग मुझे बताओ 75 का 20% कितना होगा। तो 75 का 20% निकालोगे तो वो आएगा ₹15। देखो किसी भी नंबर का 20% उसका 1/5 होता, अगर डायरेक्ट पता करो, नहीं तो 20/100 कर लेना, 20 से 100 घटा 5 बार, 5 से 75 15 बार। अब ये 15 भी उसने खर्च कर लिए, देखो शेष आ जाए ना, तो इसके ऊपर बात की थी। अब जब खर्च हो जाएगा तो हम बात 60 के ऊपर करेंगे, और 60 का भी 10%, और 60 का 10% प्यारे दोस्तों कितना होता है, 6 होता है। बस आप बताइए मुझे 60 में से 6 गए तो रिमेनिंग कितना, 54। हर बार आपको जब क्वेश्चन सॉल्व आगे बढ़ता जाए आपको शेष की बात कंटिन्यूसली सॉल्व करते जाना है। अब आप लोग मुझे बताइए 60 में से 6 गया तो बचा 54। आप तो कह रहे हो बचत 54 की हो रही है, प्रश्न कह रहा बचत हो रही है 21600 की, तो हमारा जो 1% है वो 21600 बटा 54, तो प्यारे दोस्तों यहां से 1% पड़ेगा 400 का, क्लियर है। और अगर 1% 400 का पड़ा तो हमारे 100% कितने की, तो 400 × 100 करोगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 40,000, क्लियर है। चीजों को समझिए तो अपने आप बातें अच्छे से समझ में आएगी। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। चीजों को समझना यहां से कि यहां बात शेष की हो रही है, जब ये शेष समझ में आएगा ना तभी अगली बातें समझ में आएगी, कि शेष के अंदर बात 75, फिर जो उत्तर आए फिर बात 60 की, फिर जो उत्तर आए फिर बात 54 की। आप तो कह रहे हो 54 की बचत हो रही है, जबकि यहां से प्रश्न ये कह रहा है कि बचत कितने की हो रही है, 21600 की, क्लियर है। चलिए एक बार मैंने फिर से समझाया, उम्मीद करूंगा अब आपको जरूर समझ में आया हो, ठीक है। बिल्कुल, एक बार सब वीडियो को लाइक करते रहिएगा, सब जने वीडियो को लाइक करते रहिए कंटिन्यूअसली, और शेयर जरूर कीजिए अपने साथियों को, और जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं उन सब में शेयर कर दीजिए वीडियो को एक बार।
चलिए आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारे पास है, किसी कक्षा में 1100 लड़के व 900 लड़कियां हैं, 900 लड़कियां हैं, यदि यदि 50% लड़के तथा 40% लड़कियां पास हुए तो फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत होगा, विद्यार्थियों का प्रतिशत होगा, यह आपको सोल्व करके बताना है। जल्दी से बताइए फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। थैंक यू विजय सिंह जी इतना सारा सपोर्ट करने के लिए, उम्मीद करता हूं हमेशा अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखेंगे। वीडियो एकदम परफेक्टली चल रहा है दोस्तों सभी विद्यार्थियों के लिए। लिंक शेयर किया जा रहा है बुक का, जिनके पास भी लिंक नहीं पहुंचा वो उस लिंक के थ्रू अपनी बुक ले सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, सभी जनों ने आंसर्स बताए, इस चीज को समझते अच्छे से। यहां देखिए अगर बात करें बॉयज की और यहां है गर्ल्स, ठीक है दोस्तों, 1100 तो लड़के हैं और 900 लड़कियों की संख्या। अब देखो यहां से एक बात नोटिस की आपने कि अभी 50% तो लड़के और 40% लड़कियां क्लास में फेल होते हैं, तो कितने प्रतिशत क्लास में पास होते हैं तो आपको बताना है फेल होने वाले विद्यार्थी कितने परसेंट है, और विद्यार्थी में दोनों शामिल होंगे। तो यहां देखिए दोस्तों 1100 का 50% अगर बॉयज पास हुए तो फेल भी 50%, और 40% अगर यहां गर्ल्स पास हुए तो फेल 60%। इस लॉजिक को पहले समझना पड़ेगा। ये प्रश्न संख्या के ऊपर भी आता है, ये प्रश्न अनुपातों के ऊपर भी आता है, तो इस चीज को नोटिस कर लीजिएगा, बहुत काम आएगी ये बात। यहां देखिए 50% पास होते हैं तो आप बताओ फेल भी कितना। ये लॉजिक समझ में आ गया। एक चीज और याद रखिएगा, ये दोनों चीजें अलग अलग है, क्योंकि यहाँ बॉयज की बात हो रही है और यहाँ गर्ल्स की, यहाँ पास और यहाँ फेल पता किया, पास 40 हुए तो गर्ल्स फेल कितने 60। हमें टोटल ये बोला गया विद्यार्थी कितने परसेंट फेल हुए, और फेल में दोनों शामिल होंगे विद्यार्थी में। चलिए तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ लिख देता हूं, इस पेन से आपको दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर ये तो पास है और ये फेल है, ये फेल और ये पास। तो अब क्या करेंगे, 1100 का 50% फेल वाला पता करेंगे और यहां 900 का 60% फेल वाला पता करोगे, क्योंकि हमें फेल के बारे में पूछा गया है। तो 0 से 0 11 इंटू 5 55 550, 9 इंटू 6 54 540, यानी 550 तो लड़के और 540 लड़कियां पास होते हैं। तो प्यारे दोस्तों यहां से फेल कितने हुए, सॉरी इतने विद्यार्थी फेल होते हैं, पास का हमने पता ही नहीं किया, हमने फेल का ही पता किया। तो यहां फेल कितने हुए, 1090 फेल हुए। कितने में से, टोटल 2000 में से। अब आपको भी 2000 कहां से आया, 1100 और 900, और गुणा किससे, 100 से, 000 से 000, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 54.5%। ठीक है दोस्तों, तो जिन विद्यार्थियों का 54.5 है वो बिल्कुल एकदम सही है। सब जने वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, लाइक बहुत कम है, जल्दी से कर दीजिए, मात्र 1100-1200 लाइक हुए। शेयर कर देना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। चलिए बहुत बढ़िया, काफी जनों ने आंसर्स बता भी दिए हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीन छोड़ लीजिए, फिर एक और प्रश्न आप लोग सॉल्व करके बताइए। जिन भी विद्यार्थियों की दिक्कत आ जाती है एजुकेशन अड्डा लाइव @gmail पे अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तुरंत आपकी जो समस्या है उसका समाधान कर दिया जाएगा। चलिए अब एक प्रश्न और होता हमारे पास यहाँ, जैसे नया प्रश्न देता हूं ठीक रहेगा। प्रश्न ये है, किसी कक्षा में
लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, लड़के तथा लड़कियों का अनुपात अनुपात 3:7 है। यदि 10% लड़के तथा 20% लड़कियां छात्रवृत्ति लेते हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति नहीं ली, अब देखो विद्यार्थियों का पूछा गया, ये विशेष रूप से समझना, और विद्यार्थियों में दोनों को हमें कंपैरिजन करके बताना है। ठीक है दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। जिन भी विद्यार्थियों के पास लिंक नहीं पहुंच पाया, एक बार मैं वापस शेयर कर दे रहा हूं, तो उससे आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं। और एक चलिए यहां पर देखो प्रश्न वही है, आपको लॉजिक थोड़ा समझना था। ये बॉयज है और ये गर्ल्स है, 3:7 में। अब जब आप बुक में इनके सॉल्यूशंस देखोगे इस प्रकार के प्रश्नों के, तो यहां पर 300 और 700 भी दिख सकता है, 3000 और 7000 भी, क्योंकि उन्होंने उस वैल्यू को इतना माना है। बात समझ रहे हो? देखो उनके प्रश्न में तो यही लिखा होगा, लेकिन जब उनका सॉल्यूशन देखोगे आप, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो आपको घबराना नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना सा बोला है कि आप 3 को 300 रखो, 7 को 700 रखो, या फिर 3 को 3000, 7 को 7000। ठीक है दोस्तों, ये चीज है, इस चीज को समझना आप लोग, ताकि फिर आपको दिक्कत नहीं आए बिल्कुल भी। तो यहां देखो 10% अगर यहां पर छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, तो नहीं लेने वाले 90% हुए। यहां देखिए गर्ल्स में अगर 20% छात्रवृत्ति लेते हैं, तो छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले 80%। ये चीज आपको समझनी है। अब देखो वहां पर हमने संख्याओं का पता किया था, यहां हमें अनुपातों की वैल्यू पता करनी है। तो देखो 3 का 90% जो होता है 2.7, भाई 9 या 27 होता है, 10 कट जाएगा, 1 अंक के बाद पॉइंट। जिनको डायरेक्ट परसेंटेज नहीं आए उनके लिए मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, 3 × 90/100, 0 से 0 27/10, यानी 2.7। क्योंकि दोस्तों मुझे हर विद्यार्थी को लेके चलना पड़ेगा, चाहे उस विद्यार्थी ने कभी ये चीज पढ़ी ना हो, तो उसको भी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, 7 का 80%, तो 7 का 80% होगा दोस्तों 7 × 80/100, 0 से 0 56/10, यानी 5.6। समझ रहे हो चीजों को अच्छे से? यानी यहां पर तो आया 2.7, यहां पर आया 5.6, यानी ये वो हो गए जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। तो टोटल जोड़ते हैं, 7 और 6 कितने दोस्तों, टोटल पता करते हैं हम लोग, जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं, छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले, 7 और 6 13, 7 और 1 8.3, कितने में से 8.3 हो जाएगी, कितने में से 7 और 3 टोटल कितना 10 में से, और गुणा 100। अब यहां से पॉइंट हटाओगे 0, 100 से 100 कैंसिल, हमारा जो उत्तर आएगा वो प्यारे दोस्तों आएगा 83%। यानी 83% ऐसे विद्यार्थी हैं जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। बिल्कुल सुनील जी, नमस्कार, थैंक यू। आगे बढ़े दोस्तों, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसीलिए मैं और चाह रहा हूं कि आप लोग जल्दी से चीजों को समझ पाओ। बिल्कुल एक बार कैमरा और अच्छे से साफ कर देते हैं, चीजें क्लियर हो। थैंक यू सिंगर संजीव यादव जी, अगर आपने बहुत कुछ सीखा है तो उम्मीद करूंगा ऐसे ही आप लोगों का सपोर्ट कंटिन्यूसली करते रहे। बिल्कुल सतीश कुमार जी नमस्कार, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। और हमारे पास डिफरेंट टाइप का क्या प्रश्न बनेगा, अगले प्रश्न की ओर समझना चीजों को, और ये प्रश्न आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। इसके लिए मैं अब क्या करूंगा, 2-4 क्वेश्चन आपके लिए एक साथ लिख रहा हूं और चीजों को समझने का प्रयत्न करना।
देखिए प्रश्न ये है, चीनी के मूल्य में 20% कमी हो तो खपत यानी खाने में कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं इस टॉपिक का, अच्छे से पढ़ के जाइएगा एग्जाम के लिए, स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, समझिएगा बात को, ठीक है। एक और प्रश्न लिख दे रहा हूं आपके लिए, तीन लिख देते प्रश्न, चीजें ठीक हो जाएगी। यहां देखिए पेट्रोल के मूल्य में 10% वृद्धि हो तो उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करें कि खर्च यथावत रहे। यथावत का मतलब होता है वैसे का वैसा, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न लिखते हैं, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करें तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करें कि क्षेत्रफल पूर्व अलग अलग लिखें। लिखने में मैं सीधे बोल सकता था ना, कोई परिवर्तन ना हो। मैंने ये वर्ड इसीलिए लिखे हैं क्योंकि दोस्तों एग्जाम में इनमें से कोई सा भी वर्ड आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप सभी विद्यार्थियों का थैंक यू कि आप लोग कंटिन्यूअसली 1.5 घंटे से हमारे साथ बने हुए हो, और उम्मीद करूंगा आगे भी आप लोग ऐसे ही बने रहेंगे, ठीक है। दोस्तों आप लोगों के लिए प्रयास किया जा रहा है, जो भी एसएससी जीडी के जो ड्रीम बैच के विद्यार्थी है दोस्तों, उनके लिए सेशन पता होगा उनको कि अच्छे से कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम टॉपिक बाय टॉपिक कंटिन्यूअसली डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं यहां आपको बहुत शानदार वाली ट्रिक बताऊंगा अभी। जल्दी से जल्दी बताइए, और मैं शानदार वाली ट्रिक मतलब एक एक सेकंड में एक उत्तर बता सकते हो दोस्तों, आप लोग एक सेकंड में एक उत्तर, बस थोड़ी सी अगर कैलकुलेशन, अगर आपको वैल्यू याद है तो डायरेक्ट भी बता सकते हो। थैंक यू घनश्याम सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। चलिए बहुत बढ़िया, आपने कोशिश की होगी दोस्तों, बिल्कुल। संदीप गिरी जी थैंक यू। चलिए राकेश कुमार जी, जो भी विद्यार्थी, सभी का बहुत सारा थैंक यू। अब देखो यहां मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं, और ट्रिक अच्छे से समझना, और ट्रिक समझ ली ना फिर आपके लिए चीजें बहुत आसान होगी। कैसे ट्रिक है समझिए बातों को, ट्रिक ये है दोस्तों, इस ट्रिक का नाम रखा मैंने एरो ट्रिक। कौन सी ट्रिक है दोस्तों? एरो ट्रिक। एक बार जल्दी से लिख दीजिए कि एरो ट्रिक है, लिखिए जल्दी से कि कौन सी ट्रिक है प्यारे दोस्तों? एरो ट्रिक। एरो समझते हो, ये जो तीर का निशान जाता है इसको बोलते हैं एरो ट्रिक। जल्दी से लिख दीजिए एरो ट्रिक, बिल्कुल। शिशुपाल जी थैंक यू। चलिए बिल्कुल सबको याद हो जाएगी इस नाम से, याद रखिएगा आज के बाद, जब भी यथावत रखना हो, पूर्ववत रखना हो, कोई परिवर्तन नहीं करना हो, ठीक है दोस्तों, अपरिवर्तित रखना हो, तब ये ट्रिक काम आएगी। इस ट्रिक का नाम है एरो ट्रिक। ये एरो ट्रिक क्या है दोस्तों, कि 20% की कमी तो हमारा जो एरो जाएगा, ये देखिए एरो चला गया ना यहाँ पर, 20 की कमी तो हमारा एरो गया 80 पर, और गुणा किससे? 100 से। 20 से 80 कटा दोस्तों 4 बार, उत्तर आया 25%। अब बताओ कैसी लगी एरो ट्रिक? इससे सरल कुछ हो सकता है इन प्रश्नों के लिए दोस्तों? जब भी आपको अपरिवर्तित रखना हो, यथावत रखना हो, पूर्ववत रखना हो, कोई परिवर्तन नहीं करना हो, तो ये ट्रिक बहुत काम आएगी, ठीक है। यहां देखो 10% की वृद्धि, तो 10 की वृद्धि तो हमारा एरो कहां पर गया प्यारे दोस्तों?
110 पर देखो, कमी हुई तब कमी कर लिया, वृद्धि हुई तो एरो वृद्धि कर रहा है, और गुणा 100 से 0 से 0 100 बटा 11 9 से 1 बटा 11%। समझ में आई दोस्तों? अब ध्यान दीजिएगा, 20% का इंक्रीज हुआ है तो एरो कहां जाएगा? 20 का इंक्रीज होके 120 पर, 120 पर आएगा, गुणा 100, 20 से 100 6 बार 50 बटा 3 तो उत्तर आएगा 16 से 2 बटा 3%। लिख लीजिए कॉपी में अच्छे से। ये थी दोस्तों एरो ट्रिक, उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आई होगी। वीडियो लाइक कर दीजिएगा सभी जने एक बार। थैंक यू सभी को इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट चलता हूं अगले प्रश्नों की ओर। बिल्कुल, और आप सोच के देखोगे ना अब चीजों को, इतना आसान था और आप लोग कितना बड़ा प्रोसीजर लगा रहे थे इन प्रश्नों में। ठीक है दोस्तों, वापस कह रहा हूं, समझिएगा बातों को अच्छे से। तो यहां देखिएगा, देखिए 20 की कमी आई तो हमारा जो एरो है ना वो कहां पर आ जाएगा प्यारे दोस्तों? 80 पर आ जाएगा। समझ में आ रही बात अच्छे से? 10% की वृद्धि हुई तो प्यारे दोस्तों हमारा जो एरो है वो 10 की वृद्धि होके कहां आ जाएगा? 110 पर। और यहां 20 की वृद्धि हुई तो प्यारे दोस्तों एरो 20 की वृद्धि होके कहां पर आ जाएगा? 120 पर। तो ये चीजें समझ लोगे तो फिर आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े फिर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। फिर अगला प्रश्न क्या है उसको समझते हैं, और ये ट्रिक एक और प्रश्न में काम आती है, वो प्रश्न मैं आपके सामने अब लिखने जा रहा हूं, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों ने हर बुक के अंदर ये प्रश्न देखा होगा। कैसी भी बुक की आप तैयारी कर लो भले, उसमें ये प्रश्न आपको जरूर सामने आया होगा। प्रश्न क्या है समझते हैं। चलिए प्रश्न क्या हमारे पास, ए की आई बी से 25% अधिक है तो बी की आई ए से कितने प्रतिशत कम है? बी की आई ए से कितने प्रतिशत कम है? प्रश्न ऐसा ही है हमारे पास। दूसरा प्रश्न लिखता हूं मैं, राम की आय श्याम से 10% कम है तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत अधिक है? यह प्रश्न है हमारे पास, और यह प्रश्न आपके सामने जरूर आया होगा। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने ये वाला प्रश्न जरूर देखने को मिला होगा। जल्दी से उत्तर बता दीजिए, बहुत आसान तरीके से बता सकते हो वैसे। समझ में आ रही ना चीजें, एक बार जल्दी से बताइए आप लोग उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए समझ में आ रही दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये जीडी वाला बैच आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए जीडी वाले विद्यार्थियों के लिए एक छोटी सी लाइन दोस्तों, उम्मीद करता हूं जरूर अच्छी लगे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत हार कर बैठ मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी मिलने का मजा भी आएगा। तो
तो ये आप सब एसएससी जीडी के जो ड्रीम बैच के विद्यार्थी उन सभी के लिए समर्पित ये चार लाइनें उम्मीद करता हूं आपको जरूर अच्छी लगी होगी। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत हार कर बैठ मंजिल के मुसाफिर। मंजिल के मुसाफिर आप सब लोगों, मैं तो बस एक जरिया हूं दोस्तों जिसके द्वारा आप लोग अपनी उम्मीदों को आगे बढ़ा रहे हो, ठीक है दोस्तों। और मैं भी मेरा पूरा एक प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों की उम्मीदों पर पूरा खरा उतर पाऊं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत हार कर बैठ मंजिल के मुसाफिरों, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े फिर, और यहां भी एरो ट्रिक लगने वाली। अब आपको कि ये ऐसी कैसी एरो ट्रिक है दोस्तों, हर जगह लग रही है दोस्तों, ये इन्हीं प्रश्नों पर लगती है, इसलिए इन दोनों प्रश्नों को मैंने साथ में करवाया, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए, यहां पर पहले मैं थोड़ा बेसिक समझाता हूं कि ऐसा होता क्यों है। जैसे उस वाले प्रश्न में बेसिक ये था, चीनी वाले में 100 पर 20 की कमी आई हम 80 पर आए, लेकिन 80 लाना नहीं था, लाना तो 100 था, तो 80 से 100 लाने में हमें 20 की वृद्धि करनी पड़ती, 80 पर वापस गुणा 100, इसलिए हमारा उत्तर 25 आता है। लेकिन यहां पर मैंने आपको एरो ट्रिक बताई थी, ये बेसिक होता है इस प्रश्न का। यहां पर भी एक बेसिक लगता दोस्तों, वो भी समझा देता हूं। ए बी से 25% अधिक है, तो ये 100 है तो ये कितना 125, 100 से 25 अधिक 125, बी ए से कितने परसेंट कम है। प्यारे दोस्तों बात को समझिए, जीत हार पास फेल कम अधिक देरी और पहले अंतर को बताते, अंतर कितने का पड़ा 25 का अंतर 125 के ऊपर गुणा 100। अब आपको कि अंतर तो चलो 25 रख दिया, बटे में 125 ही क्यों रखा, क्योंकि प्यारे दोस्तों तुलना किससे करनी है, ए से, जिसके साथ का या से रहता वैल्यू बटे में आती है। तो देखो 25 बटे 125 गुणा 100, 25 से 5 बार आंसर आ गया 20%। ये तो बेसिक हुआ दोस्तों, बेसिक जो कंसेप्ट है ना वो समझा दिया मैंने आपको। लेकिन जो एरो ट्रिक थी, एरो ट्रिक आपसे क्या कहती है, सिर्फ कि एरो को आगे लेके चलते हम लोग, यही सीखा था दोस्तों हमने। अब ध्यान दीजिए, आए दोस्त मैंने पढ़ा दिया, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसे जरूर समझने का प्रयत्न करना। 25 अधिक है तो प्यारे दोस्तों हमारा एरो कहां पर जाएगा, 125 पर गुणा 100, 25 से 5 बार जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा 20%। क्लियर है चीजें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब समझते बात को, 10% कम है तो हमारा एरो कहां पर गया, 90 पर गुणा 100, 0 से 0 100 बटा 9, 11 से 1 बटा 9%। चलिए, जीडी का एडमिट कार्ड दोस्तों अभी नहीं आया है, और जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, उसके बारे में कोई चिंता वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, सभी ने लिख दिया होगा, अब समझते हैं अगली बात। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है वो समझिएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, खर्च करे, कितने परसेंट खर्चा कर दिया 75, यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हो तथा उसकी बचत में, यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हो तथा उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। ये आपको फाइंड आउट करके बताना है कि उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि या कमी होगी। इनकम जैसे 20% इंक्रीज हुआ, उसका जो खर्च था वो भी 10% इंक्रीज हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये बताना उनकी बचत में कितने परसेंट इंक्रीमेंट होगा। चलिए, रीजनिंग के विजय सिंह जी धीरे धीरे वीडियोस आएंगे आपके लिए जरूर। चलिए बहुत बढ़िया, काफी जनों के आंसर्स आ भी रहे हैं, बहुत बढ़िया, 50 आंसर्स बता रहे हैं काफी जने।
चलिए, ये बहुत एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है दोस्तों, इस वैल्यू के साथ बहुत सारे एग्जाम्स में। और दोस्तों मैं वापस बता देता हूँ, जिन भी विद्यार्थियों के पास बुक का लिंक अभी मैंने शेयर कर दिया, आप लोग देख लीजिएगा। और दोस्तों इस बुक की प्राइस 5 फरवरी से बढ़ा दी जाएगी, तो जिन भी विद्यार्थियों को बुक अभी परचेज करनी है वो परचेज कर सकते हैं दोस्तों, लिंक अभी मैंने वापस शेयर किया है। चलिए अब बातों को समझते हैं अच्छे से। हाँ, एसएससी जीडी का कंप्लीट सिलेबस दोस्तों मैंने अभी बताया, अशोक कुमार जी मैंने कंप्लीट सिलेबस बताया भी था और सिलेबस हमारा कंप्लीट भी होने वाला, तो आप लोग प्लेलिस्ट देखिए एसएससी जीडी ड्रीम बैच की, तो उसमें आपको सारा सिलेबस भी मिल जाएगा। फर्स्ट वीडियो देखिएगा, फर्स्ट वीडियो मैंने कंप्लीट सिलेबस बताया कि एसएससी जीडी का नया वाला सिलेबस क्या है, इस बार का जो विज्ञप्ति के अंदर लिखे हुए वो वाले टॉपिक्स की बात कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करे, तो ये तो आय है, ये खर्च है और ये क्या है, बचत है। वापस सुन लीजिएगा, ये आय है, ये खर्च है और ये क्या है, बचत है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर 75% खर्चा हुआ तो बचत कितनी हुई 25 और इनकम कितनी हुई 100। मेरे हिसाब से ये जो चीज लिखी है इसको समझने में किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं आएगी कि भाई 75 खर्चा किया है तो बचत कितनी होगी, 25 ही होगी और इनकम कितने की, 100 की। अब इन्होंने क्या बोला है कि इनकी आय में 20% का इंक्रीमेंट हुआ, तो प्रश्न यहीं से चेंज हो रहा है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो यहां देखिए 20% की वृद्धि हुई तो हमारा आंसर कहां पहुंचा, 120 पर। अब जल्दी से बताओ, खर्चा 10% की वृद्धि हुई, और यहां सबसे ज्यादा इस प्रश्न में गलती होती है कि चलो यहां तो आप लोग परफेक्टली बढ़ा देते हो, लेकिन यहां पर देखिए 75 का 10% बढ़ाओगे तो 75 का 10% दोस्तों होता है 7.5। यहाँ विद्यार्थी गलती क्या करते हैं, 75 पर 10 बढ़ा के यहाँ 85 कर देते हैं, जो गलत हो जाएगा। 85 नहीं करना है, 75 का 10% 7.5 होता है दोस्तों, 7.5 होता है, जो खर्चा बढ़ चुका है। अब मैं यहां लिख देता हूं 75 का 10%, 75 का 10% बराबर होता है 75 × 10/100, सोचोगे तो 0 से 0 तो 7.5। ठीक है दोस्तों, ये बढ़ गया यहां पर, बढ़ा तो कहां पहुंचे, 82.5 पे, यानी 120 तो कमाए और 82.5 खर्च कर लिए। तो प्यारे दोस्तों यहां से हमारी 120 कमाकर 82 खर्च करोगे 82.5 तो बचत होगी 37.5। अब आप कहोगे गुरुजी ये कैसे आया, तो क्या करना दोस्तों, ध्यान दीजिए, इसमें से इस वैल्यू को क्या करना है, माइनस करना है। ये आपने कमाए हैं, ये खर्चा किया तो बचत कितनी हुई, 37.5। अब उन्होंने बोला कि भी बचत में कितने परसेंट चेंज हुआ। ठीक है दोस्तों, बुक का लिंक अभी एक बार मैं शेयर कर देता हूँ। सुजीत जी आप बहुत पुराने विद्यार्थी हो मुझे जहां तक याद है, सुजीत बॉस जी आपका वापस थैंक यू, वापस चैनल पे आने के लिए, काफी दिन से आप आए हो। चलिए 25 से 37.5 कितने की वृद्धि हुई, 12.5 की वृद्धि 25 के ऊपर × 100। अब आप कहोगे 12.5 कहां से है दोस्तों, पहले 25 नंबर आ रहे थे, अब 37.5 आ रहे, कितने की वृद्धि हुई, 12.5 की वृद्धि, और गुणा किससे, 12.5 की वृद्धि होगी 25 के ऊपर × 100। 25 से 100 कटा, पॉइंट हटा दीजिए 0, वापस कह रहा हूं पॉइंट हटा दीजिए 0, 125 से 250 कटा 2 बार, 2 से 100 कटा 50, तो वृद्धि हुई 50%। वैसे आप समझोगे तो 25 का आधा 12.5 होता है, बिल्कुल इमरान जी आप भी थैंक यू, 25 का आधा 12.5 होता है, 12.5 का मतलब 50%। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न, एक बार लिख दीजिए इसे। थैंक यू महेंद्र जी, जो भी हमारे सपोर्टर्स हैं सभी का बहुत सारा थैंक यू, और जो भी विद्यार्थी को मैं सभी विद्यार्थियों को बता देता हूं, ये जो सारे वीडियोज आप लोग एसएससी जीडी की जो ड्रीम बैच की प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर बहुत अच्छा वाला प्रश्न है इसका, तो आपको धीरे धीरे इतनी बार आपको जो भी आप बुक्स पढ़ोगे कहीं ना कहीं प्रश्न देखने को मिलेगा, धीरे धीरे आपको इसका उत्तर भी याद हो जाएगा, इतना रिपीटेड क्वेश्चन है ये। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको समझते हैं।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, देखिए प्रश्न यह है, किसी गांव की जनसंख्या 30,000 है, यदि प्रति वर्ष 10% की दर से वृद्धि हो तो दो वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी, यह आपको आइडेंटिफाई करके बताना है। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों इसका उत्तर कितना आएगा। इसमें बोला 2 साल बाद का, वैसे एग्जाम में 3 साल बाद का भी आ सकता है, 4 साल बाद का भी, आप लोग डिपेंड करता है दोस्तों एग्जाम के ऊपर। चलिए बिल्कुल सौरव कुमार जी, बिल्कुल प्रयास करते हैं। एक मैंने बोला ना, एक कंबाइंड वीडियो आने वाला, अब ऑल एग्जाम के लिए मैं कुछ बताऊंगा स्पेशल। बिल्कुल, ये हमारे जैसे ही बैच कंप्लीट होंगे उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे, एक बार उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए लाइक कर सकते हैं दोस्तों सारे विद्यार्थी, सब जने वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी देखिए, एक जनसंख्या है 30,000, यहां पर 10% की दर से वृद्धि हुई, तो 100 पर 10 की वृद्धि हम लोग कहां पहुंचे, 110 पर। जब तक ये चीज आप समझ नहीं पाओगे फिर आपके लिए प्रश्न बहुत भारी है। जिसने ये दोनों लिख दिया उसको 100% जनसंख्या वाले प्रश्न में आंसर मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अब चीज को समझिएगा, पहले 100 जने थे, 10% की वृद्धि हुई तो बाद में हुए 110। अब आप सोच के देखो, अगर यहाँ 20 की वृद्धि होती तो 120 होता, 40 की वृद्धि होती तो 140 होता, 10 की कमी आती तो 90 होता। लेकिन आप लोगों को सीखना क्या है फिर इस प्रश्न में, कैसे आप लोग इस प्रश्न को हमेशा सही करोगे, इसका एक ही लॉजिक है, 2 साल बाद या 2 साल पहले, यही प्रश्न का लॉजिक है बस। आप तीसरे चौथे क्लास स्टूडेंट के हिसाब से एक बार सोचना है जो मैं अभी आपको बोलूंगा। अगर प्रश्न बाद का हो तो आपको बाद वाली वैल्यू को ऊपर रखना है, और अगर प्रश्न पहले का हो तो आपको पहले वाली वैल्यू को ऊपर रखना है, बस ये चीज आप लोग समझिएगा। ठीक है, बाद का प्रश्न हो तो बाद वाली वैल्यू को ऊपर रखना है, पहले का प्रश्न हो तो पहले वाली वैल्यू को ऊपर रखना है। ठीक है विनय सिंह जी, एक बार आप education@live@gmail पे मैसेज कर दीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है विनय सिंह जी, उम्मीद करता हूं education@live@gmail पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए, तो यानी पहले 100 जने थे बाद में 110 हुए, तो इसका मतलब 100 से 10 की वृद्धि हम लोग कहां पहुंचे, 110 पर। प्रश्न बाद का है इसलिए हमने बाद वाली वैल्यू को ऊपर रखा, प्रश्न पहले का होता तो हम लोग पहले वाली वैल्यू को ऊपर रखते। अब देखिए 2 साल बाद है तो प्यारे दोस्तों हम लोग ऐसा गुणा भी कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे, ये चीज समझनी है बस। 2 साल बाद है तो 2 बार गुणा, 3 साल बाद है तो 3 बार, 4 साल बाद है तो 4 बार। एक और चीज विशेष रूप से सुनिएगा, विशेष बात कह रहा हूं मैं आप लोगों से, कि यह प्रश्न यही बनता है 2 साल 3 साल बाद का, 2 साल 3 साल पहले का। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे दोस्तों, 4 जीरो से 4 जीरो, 11 × 11 121 × 3, और 121 × 3 करोगे तो 36,300 और 2 जीरो आ गया, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा दोस्तों 36,300। बहुत बढ़िया, काफी सारे विद्यार्थियों ने बताया, बस दोस्तों यही विशेष है। लिंक वापस शेयर हो रहा है, जो भी विद्यार्थी इसको लेना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों 5 फरवरी से प्राइस बढ़ने वाली है, तो आपके पास मौका है, मात्र ₹50 में आप हमारी जो ईबुक है पीडीएफ फॉर्मेट में इसे ले सकते हैं, और जल्दी इसके वीडियो सॉल्यूशंस भी आएंगे जिसमें सिर्फ आपको अपने आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस के लिए आपके पास ये बुक अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों के पास ये बुक होगी वो सब उनके लिए बहुत बेनिफिट होने वाले वो सारे वीडियोस। चलिए अब चलते हैं आगे। अब आपको यहां पर प्रश्न पहले का होता तो हम कैसे सरल करते थे, तो पहले वाला प्रश्न भी सरल करा देते हैं ताकि आपको कोई डाउट रहे ही नहीं। जैसे देखिए,
एक गांव की जनसंख्या 72,900 है, यदि प्रति वर्ष 10% का हाशो तीन वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। अब देखो, दोनों प्रश्नों में पढ़ते ही आपको फर्क तो समझ में आ गया होगा। वहां बोला था 2 साल बाद क्या होगी और यहां बोला 2 साल पहले क्या थी। बहुत डिफरेंस है दोनों चीजों में अगर आप समझोगे तो। गूगल पे का सारा ऑप्शन है दोस्तों, अगर आप सबसे ऊपर देखोगे सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन में गूगल पे का, फोन पे का, मोबीक्विक का सारे ऑप्शन फर्स्ट वाले में है। सबसे फर्स्ट वाले में फोन पे, पेटीएम और जो गूगल पे है उन सारे के ऑप्शन सबसे फर्स्ट जो ऊपर दे रखा ना उसमें है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल अजीत। चलिए अब देखिए बात को समझते हैं कि अभी यहां पर 72,900 है, प्रति वर्ष 10% का हास होता है, सबसे भारी वर्ड आ जाता है हमारे लिए। क्या होता है दोस्तों, हम लोग वर्दी और कमी को पढ़ के जाते हैं एग्जाम, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम बोलते हैं कि भारी वर्ड आ गए। भारी वर्ड कुछ नहीं दोस्तों, हास का मतलब होता है कमी से होता है। हास का मतलब किससे? कमी से। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं दोस्तों कि आप लोगों को चीजें एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़नी चाहिए, तो वो चीजें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, चलिए 72,900 10% का हास हुआ, 100 पर 10 का हास हुआ, हम लोग कहां पहुंचे? 90 पर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैंने अभी एक लॉजिक बताया था, कितने साल पहले का बोला है, 3 साल पहले का। मैंने क्या लॉजिक बताया था, पहले का प्रश्न हो तो ऊपर पहले वाली वैल्यू, बाद का प्रश्न हो तो ऊपर बाद वाली वैल्यू। अभी पहले का प्रश्न है दोस्तों, सुमित कुमार जी उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। पहले का प्रश्न है तो पहले वाली वैल्यू आंसर देगी 100/90। तो हम गुणा ऐसा कितनी बार करेंगे प्यारे दोस्तों? 3 बार। अब आप कहोगे हमने गलत रख दिया तो क्या होगा? जैसे ही गलत रखोगे आपका आंसर पॉइंटों में चला जाएगा, और दोस्तों आंसर पॉइंटों में जाएगा तो आप लोग समझ सकते हो कि अभी आपकी जनसंख्या कभी पॉइंटों में नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, आप ऐसा नहीं कह सकते गांव की जनसंख्या 12,926.3 है, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है ना, समझ सकते हो जनसंख्या कभी पॉइंटों में नहीं हो सकती, जनसंख्या का परसेंटेज पॉइंटों में हो सकता है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो 0 से 0 9 का क्यूब होता है दोस्तों 729, 9 × 9 × 9 होता है 729, कट गया पूरा। 100 × 100 10,000 × 10 करोगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 1,00,000। इसका मतलब आज से 3 साल पहले गांव में 1,00,000 विद्यार्थी थे, जो 1,00,000 व्यक्ति थे, जो धीरे धीरे कम होते होते आज बचे कितने हैं? 72,900। ये आज से 3 साल पहले 1,00,000 थे, जो धीरे धीरे कम होते होते 72,900 बचे। क्लियर है चीजें दोस्तों? आगे बढ़े फिर। ओके, चलिए अगला क्या प्रश्न है हमारे पास उसको समझते हैं। प्रश्न ये हमारे पास, किसी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी हिंदी या अंग्रेजी या दोनों विषय चुनते हैं, या तो हिंदी लेंगे या अंग्रेजी या दोनों विषय चुनते हैं। यदि हिंदी विषय वाले 86% है तथा अंग्रेजी विषय वाले 43% है, यदि कुल 5,000 विद्यार्थी हो तो
कितने विद्यार्थी दोनों विषय लेते हैं। जल्दी से बताइए इसका उत्तर। कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषय लेंगे? जल्दी बताइए दोस्तों। जिन भी विद्यार्थियों को वीडियोस इससे पहले के वीडियो चाहिए तो आप लोग एसएससी जीडी ड्रीम बैच की प्लेलिस्ट को देखिएगा, वहां सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और दोस्तों बुक उन विद्यार्थियों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी जिनको मैथ्स से थोड़ा डर लगता है या जिनको मैथ्स के कुछ बेसिक सीखने हैं, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। जो एकदम चीजों को जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, एकदम अच्छी अच्छी बातों को सीखना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब समझते हैं बात को अच्छे से। यहाँ देखिए कुछ विद्यार्थी हिंदी विषय वाले हैं, कुछ विद्यार्थी अंग्रेजी विषय वाले, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों विषय को चुनते हैं। ये हिंदी है और ये अंग्रेजी है। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी है जो दोनों विषय चुनते हैं। हिंदी विषय वाले तो 86% है। कितने हैं दोस्तों? 86। और यहां पर ये कितने हैं दोस्तों? 43% है। क्लियर है? चलिए चलिए अब कुछ ऐसे विद्यार्थी है जो दोनों विषय, वो हमें पहले तो पता करना है। देखो हमें यही बोला गया कितने ऐसे विद्यार्थी है जो दोनों विषय लेते हैं। देखो जने तो 5000 है, 5000 में से ऐसे कितने विद्यार्थी है जो दोनों विषय लेते हैं? ठीक है दोस्तों, चलिए बात को समझते हैं। अगर हिंदी और इंग्लिश को अगर हम जोड़ें, हिंदी और इंग्लिश 86 + 43 तो होगा 129। 129% आ गया। तो यहां याद रखना है जो परसेंट 100 से ऊपर जाता है वो कॉमन विषय को दर्शाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां से बताइए दोनों विषय का परसेंटेज कितना आ गया? 129 में से 100 गए तो आंसर आया 29%। यानी 29% ऐसे विद्यार्थी है जो दोनों विषय को लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारे पास जने कितने हैं? 5000। हम 5000 का 29% पता करेंगे। वैसे देखो दोस्तों ये आपको समझाने के लिए एक स्टेप बढ़ाया मैंने, आप अगर समझ पा रहे हो तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो 29। आपको 117 आया तब 17%, 125 आया तब 25%। यहाँ देखो दो जीरो कटे तो यहाँ से 29% निकालोगे बटा 100 आएगा। जीरो से जीरो कटे, जीरो फिर 9 + 5 = 45, 4 + 10 = 14, 1450। यही आ रहा आप सब विद्यार्थियों का उत्तर। बहुत बढ़िया, तो आपका उत्तर आ जाएगा दोस्तों 1450। तो ये आप लोगों का आंसर बनने वाला है। जल्दी से इसको लिखिए, फिर एक इसका थोड़ा अलग क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। बिल्कुल राहुल कुमार जी, दोस्तों मैराथन क्लास आप लोगों के लिए जैसे ही हमारा कोर्स अब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, कल प्रयास करेंगे कि हम हमारा अंतिम टॉपिक को भी स्टार्ट कर पाए। ठीक है, अभी देखते हैं ये क्लास अच्छे से कितनी देर चल पाती है। मैं प्रयास करूंगा इस टॉपिक को हम लेके चले, फिर एक ही वीडियो में सारा टॉपिक कवर हो पाए, ताकि कल हमारा एक अंतिम टॉपिक रहेगा टाइम एंड वर्क, उसको भी करा देंगे। रामलली जी, आप education@live@gmail पे आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा आपके जो पेमेंट किया आपने, ताकि आपको तुरंत समस्या समाधान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका बढ़िया से, फिर आगे चलते हैं। ईबुक का लिंक अभी थोड़ी देर पहले आपको अपडेट किया था, एक बार मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूं। तो जिन भी विद्यार्थी के पास नहीं पहुंची है वो समझिए, देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब इसी प्रश्न में ऐसा भी आ सकता, थोड़ा डिफरेंट कैसे आएगा वो मैं लिखा देता हूं। ये हमने गलती से मिटा दिया, बाकी इसी में चेंज कर देते थोड़ा, और कोई नहीं, मेरे को वापस लिखना पड़ेगा। चलिए समझते बातों को। किसी ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी
प्रति कर्मचारी चाय या कॉफी या दोनों पीते हैं? दोनों पीते हैं। यदि चाय पीने वाले 84% है तथा कॉफी वाले 47% है। यदि चाय पीने वाले 84% है तथा कॉफी पीने वाले 47% है। यदि 930 कर्मचारी चाय व कॉफी दोनों पीते हैं तो कुल कितने कर्मचारी हैं? तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका उत्तर कितना बनने वाला है। प्रयास कीजिएगा आप लोग अच्छे से आंसर चीजों को समझा पाओ। बिल्कुल श्रीराम जी बताइए आप। गुड मॉर्निंग सोनाली सिंह जी, प्रियंका जी नमस्कार, प्रमोद कुमार जी नमस्कार, प्रशांत कुमार जी आपका आंसर 3000 आया है, अंकित कपूर जी आप 7000 बता रहे हैं, गौतम राजपूत जी आपका आंसर 3000 है ना। चलिए संजय कुमार जी 3000, पुलकित मिश्रा जी 3000, बिल्कुल काफी विद्यार्थियों ने बताया है। रहीश कुमार सागर जी 3000। आरपीएफ में सभी मैथ बना दिया, चलिए बहुत बढ़िया, आपने आरपीएफ का पेपर अच्छे से निकाल दिया उम्मीद करता हूँ। कुमार रंजन जी थैंक यू। जो भी विद्यार्थी दोस्तों पढ़ के गए और अगर आपको बेनिफिट हुआ तो आप लोग जरूर बताया कीजिए कि आपको मैथ्स के अंदर थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है धीरे धीरे। देखिए चीजें धीरे धीरे इंप्रूव होगी, अगर आप प्रयास करोगे तो चीजें बहुत अच्छी लगेगी फिर आपको। समझ रहे हैं ना दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहां देखो ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफी या दोनों पीते हैं, तो यहां देखो ये चाय पीने वाले ये कॉफी पीने वाले। तो चाय पीने वाले जो कर्मचारी है वो हमारे पास 84% है, कॉफी पीने वाले कर्मचारी 47% है। अब हमें ये नहीं पता है कि यहाँ दोनों वाले कितने जन है, तो दोनों वाले पता करने का एक बेस्ट ट्रिक अभी मैंने आपके सामने लिखा था कि जो परसेंट 100 से ऊपर है वो कॉमन विषय को, कॉमन खेल को भी दिखाता है, क्योंकि प्रश्न खेल का भी आता है। कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कुछ फुटबॉल का शौक है, कुछ दोनों खेलते हैं, तो आपको बताना। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहां से चाय का पता चल गया, यहां से कॉफी का पता चल गया। तो यहां देखो टी प्लस कॉफी यानी 84 + 47 जोड़ेंगे, 7 और 4 11 12 13 131%। तो आप बताइए दोनों वाले कितने जने होंगे दोस्तों, दोनों वाले हो गए 31%। अब हुआ क्या, आप तो 31% कह रहे हो, प्रश्न कह रहा है 930, तो 1% बराबर 930/31, 1 पड़ेगा 30 का। और प्यारे दोस्तों अगर 1% 30 का पड़ेगा, वापस ध्यान दीजिएगा, आप तो कह रहे हो 31 का और प्रश्न कह रहा है 930 का, 31 + 930 में आते 31% है ना हमारे पास। तो आप बताओ हमारा 1% कितने का, 30 का, और हमारे 100% कितने की, 30 × 100, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 3000। यानी इस संस्था के अंतर्गत कुल 3000 कर्मचारी काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आरपीएफ के लिए मनोज कुमार जी आप लोग एक बार उस आरपीएफ की जो प्लेलिस्ट है उसको पूरा पढ़ के जाइए, बहुत बेनिफिट होगा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, पर आरपीएफ के लिए आपको चीजें पढ़ के जानी पड़ेगी। चलिए बढ़ते आगे दोस्तों फिर। और दोस्तों मैं वापस बता देता हूं कि आपकी 5 फरवरी से बुक की प्राइस जो 50 रुपए है उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो जिन विद्यार्थियों के पास ई बुक अवेलेबल नहीं हुई है वो जरूर लीजिए, आपको जरूर बेनिफिट होगा बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मिटा दे फिर इसे,
अब एक और चीज है, अगर आप लोग बताना चाहो तो एक और चीज है हमारे पास कि यार चाय का भी बता सकते हो, सिर्फ चाय वाले, तो सिर्फ चाय वाले का पूछे ना कि सिर्फ चाय पीने वाले कितने परसेंट है, तो 84 में से 31 को घटा लेना तो सिर्फ टी वाले भी आ जाएंगे। यहां बता देता हूं मैं आपको, अगर आपको सिर्फ चाय के बारे में पूछे तो आप किस प्रकार बता सकते हो, तो यहां ध्यान दीजिएगा, सिर्फ टी वाले का पूछे 84 में से 31 गया तो आ जाएगा दोस्तों 53%। कितना आ जाएगा? 53। ठीक है दोस्तों, दूसरा बुक के लिए मैं लिंक शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में वापस, एक बार पहले प्रश्न को समझ लो फिर लिंक शेयर करते हैं। 47 में से 31 गया तो 6 और यहाँ कितना 16, और दोनों का तो हमने बताया था, दोनों का कितना था दोस्तों 31। अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो आपका उत्तर बिल्कुल 100% आएगा, कभी भी ना तो 99 आएगा ना कभी 101 आएगा। वापस सुनिएगा, देखो ये दिखने में तो 84 है लेकिन इस 84 में से 31 घटा लोगे तो सिर्फ चाय वाले आ जाएंगे, इस 47 में से 31 घटा लोगे सिर्फ कॉफी वाले आ जाएंगे, और दोनों का तो हमने पता किया ही था। ठीक है दोस्तों, बाकी सीधी सरल भाषा में मैं बात करूं, देखो ये तो आपको लॉजिक समझाया मैंने, एग्जाम में तो ऐसा पैटर्न बनने वाला है भाई, जो परसेंट 100 से ऊपर जाता है वो कॉमन विषय को दर्शाता है। तो प्यारे दोस्तों यहां से कॉमन कितना हो जाएगा, तो यहां से कॉमन कितना हो जाएगा दोस्तों, 84 और 47 131, तो आंसर आएगा 31%। ठीक है, चलिए आगे बढ़े फिर। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास क्या है उसको समझते हैं। अब दोस्तों इतना तो सपोर्ट की उम्मीद करते हैं कि भाई आप 50 रुपये तो एक अपने ही लिए एक बुक के लिए आप लोग सपोर्ट कर सकते हो, 200 पेज की एक बुक है जिसके अंतर्गत 18 टॉपिक का अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस का विद ट्रिक्स सॉल्यूशंस किया गया है, अच्छे से अच्छे बेसिक चीजों को क्लियर कराने के लिए। ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों को बेसिक्स क्लियर करने हैं, मैथ्स का डर समाप्त करना है, उनके लिए बुक बहुत ही अच्छी रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, बुक का लिंक एक बार मैं शेयर कर दे रहा हूं वापस, तो जिन विद्यार्थियों के पास बुक का लिंक नहीं है वो जरूर इसको देखें। चलिए आगे चलते हैं फिर, ये बुक का लिंक जो येलो कलर में मैसेज आया इस पे आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी कक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, 80% विद्यार्थी हिंदी की जगह यहां लिख दीजिए विज्ञान में पास हुए तथा 85% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए तथा 75% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए तो फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत होगा। ये आपको पता करके बताना है कि अभी फेल होने वाले छात्रों का क्या परसेंटेज होने वाला है। बिल्कुल दीपक कुमार जी, धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होगी, आप लोगों के सपोर्ट है सब कुछ, बस आप लोग अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए, बाकी चीजें हम लोग प्रयासरत हैं ऐसे अच्छे अच्छे सेशंस लेने का ताकि चीजों को और इंप्रूव किया जाए। जल्दी से बताइए दोस्तों उत्तर, अगर 80% विज्ञान में, 85% अंग्रेजी में और 75% दोनों में पास हुए तो फेल कितना हुआ? बहुत बढ़िया, चलिए 10% आ रहा काफी विद्यार्थियों का उत्तर। अब समझते हैं बात को अच्छे से, यहां देखिए ये तो है दोस्तों विज्ञान वाले और ये है अंग्रेजी वाले, तो यहां क्या करेंगे दोस्तों, विज्ञान के लिए तो 80% है, अंग्रेजी के लिए 85% है और दोनों के लिए 75। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की कि ये भी हो रहे हैं पास,
मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, पहले तो इस क्वेश्चन को अगर आपको सीरियसली अच्छे से और परमानेंट सीखना है तो आपको एक लॉजिक क्लियर करना पड़ेगा कि आपकी जो यूनिट है वो हमेशा समान होनी चाहिए। यूनिट समान का मतलब यह है या तो सारे के सारे विद्यार्थी पास होने चाहिए या सारे के सारे विद्यार्थी फेल होने चाहिए। वापस क्या कह रहा हूं, यूनिट हमेशा इक्वल होनी चाहिए। अगर एक यूनिट अगर अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस में आप ला सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं 10 फेल हुए तो आप पास 90 बोल सकते हो, 20 फेल हुए तो आप पास 80 बोल सकते हो। तो अब हमें करना क्या, लेकिन देखो यूनिट पहले बराबर रख के फिर चीजों को, इंपॉर्टेंट चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बातों को समझते अच्छे से। बहुत बढ़िया, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अच्छे से चीजों को समझिए। बिल्कुल दीपक कुमार जी, आपको बता दें इस चीज के लिए। तो यहां देखिए, साइंस और इंग्लिश अगर हम जोड़ते हैं तो 80 और 85 कितना बना दोस्तों, 165। अब 165 आया हमारे पास। मैं यहां ट्रिक क्या बता रहा हूं दोस्तों, ट्रिक ये है दोस्तों कि जब पहले वाला प्रश्न पढ़ा था वो डिफरेंट था, ये डिफरेंट है। वहां तो देखो चाय या कॉफी में से एक चुनना है तो मैंने तो चाय चुनी है, ठीक है दोस्तों। या फिर क्रिकेट या फुटबॉल में से एक चुना तो एक को चुनना है। या फिर अगर आपका प्रश्न आए फुटबॉल या क्रिकेट में से या फिर चाय या कॉफी में से या सब्जेक्ट में से, हिंदी या इंग्लिश में से, तो वो डिपेंड करता दोस्तों, वो अलग प्रश्न था, ये अलग प्रश्न है। तो यहां देखो साइंस और इंग्लिश 80 और 85 165 में देखो ये 75 दोनों में जुड़ रहा है। तो यहां क्या ट्रिक काम आती है, वहां तो 100 से ऊपर वाला उत्तर होता है, यहां ट्रिक आती है कि भाई यहां पर अगर आपको एक्चुअल पास करना है तो दोनों में जो 75 जुड़ा एक बार घटा लो, जोड़ के दोनों को जोड़ के फिर घटाना। तो दोनों को जोड़ोगे तो आपका मान, इस मान में 75 डबल बार ऐड होगा। तो क्या करेंगे, 165 में से 75 गया तो 90% पास हो गए। अब बताओ प्यारे दोस्तों 90% पास है तो फेल कितने होंगे, तो फेल का आंसर सीधा आ गया 10%। तो सिर्फ ये ट्रिक है कि कॉमन को क्या कर लो, घटा दो, क्योंकि कॉमन यहां पर डबल साइडेड इंक्लूड हो जाता है। जल्दी से एक बार इसको लिखिए दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, जल्दी से लिखिए दोस्तों इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसी का मैं एक अलग प्रश्न देता हूं आपको कि अलग प्रश्न होगा तो फिर उसको कैसे सॉल्व करोगे। अलग प्रश्न हमारे पास क्या है दोस्तों, उसको समझते अच्छे से। एक और प्रश्न है हमारे पास, उसको ध्यान रखते हैं। तो यहां देखो 60% विद्यार्थी, कितने परसेंट मैं अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। यहां पर 60% विद्यार्थी विज्ञान में पास हुए, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए और 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए। देखो लॉजिक नया बता रहा हूं ताकि चीजें समझ में आए। फेल हुए यदि कक्षा में फेल होने वाले, यदि कक्षा में फेल होने वाले 2500 छात्र हैं तो कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो ये आपको बताना है कि अभी कुल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होने वाला है। तो जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बिल्कुल रमेश जी, आप प्रयास कीजिए जितनी देर क्लास चल पाए अच्छे से। आप लोगों को तो बैठ के पढ़ना है ना दोस्त, अच्छे से चीजों को समझना है बस। अन्वेषा जी आपका उत्तर बिल्कुल सही है, 5000। संदीप गिरी जी आपने भी 5000 बताया है, चलिए बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। आप चीजों को समझोगे ना आप बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि अभी कैसे इस प्रकार चीजों को समझना है। चलिए ये डायग्राम है हमारे पास, यहां पर ये विज्ञान वाले विद्यार्थी है और यहां पर ये अंग्रेजी वाले विद्यार्थी है। तो विज्ञान वाले कितने परसेंट है? 60%। अंग्रेजी वाले कितने हैं? 70%। और यहां पर 20% ऐसे विद्यार्थी है जो दोनों विषय में फेल हुए। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अब बात को समझते हैं। देखो यहां पर 20%, अब आपने एक नोटिस की एक बार, पास पास, लेकिन ये क्या है? फेल है। लेकिन मैंने क्या बोला था, जब भी आप इस क्वेश्चन का कंपैरिजन करो तब आपको तुलना हमेशा इकाई बराबर करके करनी। तो क्या करेंगे, 20% फेल है, तो देखो मैं चेंज यहीं से कर रहा हूं, 80% क्या हुए? पास। तो ये चीज आपको समझनी अच्छे से, क्योंकि यूनिट शुड बी इक्वल। चलिए क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर साइंस और इंग्लिश को जोड़ते हैं। साइंस और इंग्लिश जोड़ा हमने, 60+70 तो आया 130%। लेकिन मैंने क्या बोला था, यहां ट्रिक क्या काम आती है, कॉमन को घटा लो। क्या कर लो प्यारे दोस्तों, कॉमन को घटा लो। तो कॉमन को कैसे घटाएंगे, तो यहां से चीजों को समझना, पास होने वाले कितने जने हो जाएंगे, 130 में से कॉमन कितना था, 80। तो प्यारे दोस्तों पास होने वाले हो जाएंगे 50%। आपको पास का उत्तर क्यों आया, क्योंकि हमारी यूनिट पास के अंतर्गत है। आप चाहते तो फेल के अंतर्गत भी कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, 50 पास है तो फेल भी तो कितने होंगे, 50 ही होंगे। बिल्कुल, अगर आप कहते यहां 70 पास होता तो फेल 30 होते, 90 पास होता तो फेल 10 होते। अब चीजों को समझना, आप तो कह रहे हो 50% फेल है, प्रश्न कह रहा है 2500 फेल है, तो 1% कितने का, 2500/50। तो प्यारे दोस्तों एक 50 का और 100 कितने की, 50 × 100 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5000। तो इस प्रकार चीजों को समझेंगे तो आपके लिए बातें बहुत आसान होगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। बिल्कुल दोस्त, वीडियो अपलोड होगी थोड़ी देर के अंदर। चलिए आगे बढ़े, फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्नों की ओर। प्रयास कीजिएगा, जितने भी विद्यार्थी जो मैथ से डर लगता है दोस्तों, हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। पहले बेसिक्स वीडियोस को देखिए, अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहले एक बार वीडियोज को जरूर देखिएगा, जो भी टॉपिक बाय टॉपिक लेसन अपलोड किए हैं उन सबको। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात को समझते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है उसको समझिएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी संख्या में 20% वृद्धि की गई तथा बाद में 20% की कमी की गई तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा ये आपको सॉल्व करके बताना है। पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी हुई, तो आपको बताना है संख्या के मान में कितने परसेंट परिवर्तन हुआ। जल्दी से बताइए, चलिए बहुत बढ़िया, काफी विद्यार्थियों के आंसर आ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, 4% लॉस आ रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो चीज मैं आपको सिखाता हूं।
चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन देखो अब आपके पास दो तीन तरीके, पहले आप 20% की वृद्धि करो तो आप 120 पर आओगे, फिर आप उसका 20% कमी करो तो प्यारे दोस्तों 120 का 20% तो 12 × 24 की कमी करी तो 96, 100 से 96 में 4% कमी। लेकिन मैं आपको बोलूंगा इस तरीके से आपको नहीं करना है, आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, 20% की वृद्धि। तो प्यारे दोस्तों अगर यहां वृद्धि हुई है तो आप भी तो वृद्धि कर सकते हो ना 120, फिर 10-20% की कमी, कमी हुई तो कहां पहुंचे हम लोग 80 पर। वापस सुन लीजिएगा, 20 की वृद्धि तो 120, 20 की कमी तो 80। अब क्या करना है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां बस इनका गुणा करना है। अब मुझे आप लोग बताओ परसेंट से कितने जीरो कटते, किसी भी नंबर का परसेंट है तो कितने जीरो कटेंगे, दो, तो जीरो कटा तो 12 × 8 हुआ 96। अब 96 में क्या बोलोगे प्यारे दोस्तों, 4% की क्या होगी, कमी होगी। ऐसे चीजों को समझ लोगे ना तो अपने आप बातें समझ में आनी लग जाएगी। देखो वापस ध्यान दीजिए, 20 की वृद्धि हुई तो 120, 20 की कमी हुई तो 80, 12 × 8 तो 96, 96 में क्या बोलोगे 4% क्या होगी, कमी होगी। बढ़ते आगे फिर, चलिए एक बार वीडियो को शेयर कर दो अब जमा के सब जने जल्दी से प्यारे दोस्तों, सभी जने एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो भी आपके पास ग्रुप है उसके अंदर शेयर कर दीजिए। करण शर्मा जी थैंक यू, श्यमंत कुमार जी बिल्कुल वेलकम चैनल पे सभी विद्यार्थियों का। स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों, नहीं अभी क्लास चलेगी दोस्तों, क्लास आपको कंटिन्यू रहनी है। चलिए अब बात को समझिए, आप लोगों को कुछ और आंसर्स देने हैं और आप लोग मुझे आंसर बताइएगा इन प्रश्नों के उत्तर क्या बनने वाले, ठीक है दोस्तों। चलिए कार के मूल्य में 30% की वृद्धि करें तो बिक्री में 10% कमी आ जाती है, कमी आ जाए तो कार विक्रेता की आय में क्या परिवर्तन होगा, तो कार विक्रेता की आय में क्या परिवर्तन होगा। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, कार विक्रेता की जो इनकम है उसके अंतर्गत क्या चेंजेस होने वाले हैं, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, 17% लॉस आया, बहुत बढ़िया, 17% प्रॉफिट। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, एक का लॉस आ रहा है, एक का लगभग सबने प्रॉफिट ही बताया, एक दो जनों ने लॉस बताया, तो हो सकता है उनका कुछ लिखने में मिस्टेक हो गया होगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ देखिए 30% की वृद्धि, 30 है ना, 30% की वृद्धि हुई तो हम लोग पहुंचे 130 पर। ये मार्वेडी ट्रिक है जो बहुत बार मैंने आप लोगों को समझाई भी है, 10% की कमी तो 90, 30% की वृद्धि तो 130, 10% की कमी तो 90। तो प्यारे दोस्तों 0 से 0 कटा, 13 × 9 = 117, ये होगा 9 × 3 = 27, 2 × 9 = 11, 117 में क्या बोलोगे दोस्तों, 17% की क्या होगी, वृद्धि होगी। आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा वृद्धि का, अगर आपका उत्तर 100 से ज्यादा जाता है तो वो वृद्धि को इंडिकेट करेगा, अगर आपका उत्तर 100 से कम जाता है तो वो कमी को इंडिकेट करेगा। तो एक प्रश्न आपको और सॉल्व करके बताना है, इसको जल्दी से लिखिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। जल्दी से आप लोगों को एक आंसर देना दोस्तों इसके बाद। चलिए अगर यहां पर हमारे पास प्रश्न ये होता कि यहां पर 15% की वृद्धि और यहां होता 20% की कमी, तो अब आप लोग मुझे बताइए आपका उत्तर क्या होगा, ताकि आप लोगों का जो अलग अलग वैल्यूज का डाउट्स है कि अभी अगर यहां जीरो वाली वैल्यू नहीं आई तो कैसे सॉल्व करेंगे, वो डाउट भी खत्म हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए, और ये बहुत बेस्ट ट्रिक्स है दोस्तों,
ब्रह्मानंद जी, विश्वकर्मा जी, मैंने बोला ना दोस्त, अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप education@live@gmail पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा जो आपने पेमेंट किया उसका, ठीक है, तो आपको समस्या समाधान हो जाएगा। चलिए, काफी जनों ने आंसर्स बताया भी है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आज प्रयास करेंगे परसेंटेज एंड हो जाए। 15% की वृद्धि तो 115, 20% की जो कमी हुई है, तो प्यारे दोस्तों यहां ध्यान दीजिए, 15 की वृद्धि तो 115 और 20 की कमी हुई तो कहां पहुंचे 80। अब क्या करना है, मैंने बोला ना 1% से 10 तो कट गया पर एक तो बचा हुआ है ना, तो क्या करेंगे, 8 × 5 = 40, 4 × 8 = 12, 1 = 92। अब 92 आया दोस्तों, 920, देखो 10 तो कट गया, अब एक अंक के बाद क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। भाई जब जीरो नहीं कटता है तो यही प्रोसीजर होता है कि अगर 10 कट जाए तो एक अंक के बाद पॉइंट, कोई जीरो नहीं कटे तो 2 अंकों के बाद। तो 92 में क्या बोलो, ये आएगा ना दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा, 8 × 5 = 40, 12, ठीक है ना, सही आ रहा, परफेक्ट। चलिए 92 में आप क्या बोलोगे दोस्तों, कि 8% की क्या होगी, कमी होगी। ये आ रहा मेरे हिसाब से सभी का उत्तर आया भी था, बहुत बढ़िया। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। तो किसी, अब आप कहोगे अगर यहां 15% कमी हो जाता, तो प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर यहां 15% की कमी हो जाता तो क्या करते, 15 की वृद्धि तो 115, 15 की कमी 85। भाई देखो 15 की वृद्धि तो 115, 15 की कमी तो 85। अब आप गुणा करोगे तो ऐसे कुछ आएगा, 97, 75, और 97, 75 में कोई जीरो नहीं कटा तो 2 अंकों के बाद पॉइंट, और 97, 75 में बोलोगे 2.25% क्या आई, कमी आई। ये बेसिक ट्रिक जो अभी हमने अप्लाई की है, एक ही ट्रिक आपको हमेशा काम लेनी है, और एक बेसिक और एक लॉजिक याद रखो तो बहुत काम का है ये, तो ये समान वृद्धि और समान कमी में काम आता है, बहुत अच्छा वाला ट्रिक है ये। ये समान वृद्धि और समान कमी हो तब ये ट्रिक बहुत काम आती है। जैसे आपने नोटिस किया 10% की वृद्धि 10% कमी, 20% वृद्धि 20% कमी, 15 की वृद्धि 15 की कमी, 12 की वृद्धि 12 की कमी, या फिर 12% लाभ 12% हानि, वोटिंग वाला क्वेश्चन इसके बाद वैभव जी। तो यहां देखिए, यहां पर क्या होता है दोस्तों, हमेशा हानि होगी, हमेशा क्या होगी, हानि होगी। कितने की हानि होगी, 1%, 2 × 4%, क्योंकि जीरो तो कट गया, तो आप देखो 15 × 15 = 225। अब आप कहोगे यहां क्या हुआ फिर, तो यहां 2 जीरो कट गए पर यहां कोई जीरो कटा क्या, तो 2.25% क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा, 12 × 12 = 144, 144 में क्या बोलोगे, 1.44% क्या हुई, कमी हुई। तो डायरेक्ट उत्तर भी बता सकते हो, 8% वृद्धि 8% कमी, तो 8 × 8 = 64.64% कमी। जो आपकी मेल आईडी पे जो मैसेज आएगा दोस्तों, उसमें डाउनलोड फाइल्स पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को फाइल्स डाउनलोड हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो समान वृद्धि और समान कमी का कोई प्रश्न आए, देखो दोस्तों वहां पर हमेशा कमी की बात होगी, ध्यान रखना। लेकिन एक लाभ हानि में अलग प्रश्न आता है, जब दो वस्तु खरीदने की बात होती है और समान लाभ और समान हानि जब खरीदने की बात हो तो उस व्यापार में न लाभ न हानि होती, ठीक है दोस्तों। चलिए, 3 वर्ष पूर्व वाला जो फ्लैट वाला क्वेश्चन है, मनोज कुमार जी, 19965 00 वाला, 10% की दर से बढ़ता है, इसको ऐसे सॉल्व करना, 100/110, 100/110 और 100/110, क्योंकि आपको 3 साल पहले का पूछा गया और मैंने बोला था पहले का प्रश्न हो तो मनोज जी आप पहले वाली वैल्यू उसमें रखना जो आपने प्रश्न पूछा है, 4 साल पहले का हो तो आप 4 बार गुणा करना। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, फिर अब चीजों को इंप्रूव, आगे एक और क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, वो क्या है हमारे पास, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 56% वोट मिले तथा वह 4800 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े
मत यानी वोट कुल कितने पड़े, तो जल्दी से बताइए कितना आंसर होगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां देखिए दोस्तों, जीतने वाले के पास अगर 56% है तो हारने वाले के पास कितना, 44% होगा। हार और जीत किसको इंडिकेट करती है दोस्तों, अंतर को। तो देखिए हमेशा याद रखिए, इतने वोटों से जीत गया और इतने वोटों से हार गया वो अंतर बताते हैं। तो अंतर कितने का पड़ेगा प्यारे दोस्तों, 56 और 44, तो 6 और 6 कितने का, 12%। तो देखिए 12% अगर 4800 के पड़े तो हमारा 1% 4800/12, 1 पड़ा 400 का और 100 पड़ेंगे 400 × 100, तो आंसर कितना, 40,000। तो ये कंसेप्ट समझिए कि यहां से आप लॉजिक को क्लियर करके अच्छे से बातों को समझिए, ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करना एग्जाम में, समझ रहे हो ना बातों को अच्छे से। चलिए बढ़े आगे फिर। मिटा दे अभी से बोली, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन आप देखो एग्जाम में थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन कैसे बनता है वो हमें समझना है, और वो समझ लोगे तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। प्रश्न ये है दोस्तों, किसी चुनाव में 20% मतों को खारिज किया गया यदि जीतने वाले को वैध मतों का, देखो यहां दो प्रश्न बनते हैं हमारे पास, एक आता वैध मत और एक आता कुल मत। तो वैध मतों का 70% मिला तथा वह जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मिला और वह 9600 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े ये आपको सॉल्व करके बताना है कि अभी चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। जल्दी से प्रयत्न कीजिए। अजय प्रताप सिंह जी, अभी देखिए जीडी में माइनस मार्किंग का कोई क्लियर नहीं है, पिछले पैटर्न को लेके ही चलना। अभी पिछले में माइनस मार्किंग का नहीं था तो इस बार वही लेके, लेकिन एक बार आप लोग एडमिट कार्ड आने दीजिए, या फिर आप लोग जब एग्जाम देते हो तो इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़िएगा, उसमें बिल्कुल मेंशन होगा कि भी माइनस मार्किंग है या नहीं है। ठीक है दोस्त, और मैं प्रयास करूंगा कल एसएससी के जो मेल आईडी है उस पर, जो सपोर्ट मेल आईडी एसएससी की खुद की, उस पर मैं प्रयास करूंगा, अगर उनको मैसेज करेंगे जीमेल से, अगर वो रिप्लाई कर पाते हैं कि भाई माइनस पार्किंग है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया, काफी ने आंसर बिल्कुल सीआईएसएफ का जल्दी स्टार्ट होने वाला दोस्तों। 20% मतों को खारिज किया, तो प्यारे दोस्तों 20 खारिज कर दिया तो बचे कितने, 80। अब देखो मैंने बोला था इसको ब्रैकेट बनाना, प्रश्न यहीं पर है, अगले प्रश्न में मैं सिर्फ यहां चेंज करूंगा, पूरा पैटर्न चेंज हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहां से गलती क्या होती है वो समझिएगा, यहां पर 20 खारिज हो गए तो बचे 80, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मत का 70%, तो यहां 70 मिला, तो यहां देखो हम गलती क्या करते हैं, यहां 70 लिखे हम 10 लिख देते हैं, जबकि दोस्तों यहां बात 100 की नहीं हो रही है। किसकी बात नहीं हो रही दोस्तों, 100 की नहीं हो रही है, बात हो रही है 80 की। तो 80 का 70% 70 नहीं होता दोस्तों, 80 का 70% पता करना पड़ेगा जो 56 आएगा। तो देखो यहां 70 जाएगा ना, तो यहां 80 का
30% जाएगा। ये लॉजिक जब समझोगे ना तब बातें समझ में आएगी। एक और चीज कह रहा हूं दोस्तों आप सब लोगों से, वो क्या है वो सुनिएगा कि यहां पर अगर कुल मत होते ना तो हम फिर यहां 70 लिख देते, यहां 10 70 और 10 80 होता, 80 और 20 100, क्योंकि कुल में बात 100 की होती है और 100 में फिर हमें कोई बात दिक्कत नहीं आती, 100 का परसेंटेज वही होता है। ठीक है, क्लियर है ना, चीजें समझ में आ रही है अच्छे से। चलिए तो 80 का 70% तो 8 7 होता है 56, डायरेक्ट आ गया 56। 80 का 30% ट्रिक बता रहा हूं, डायरेक्ट गुणा करना सीखो, दो जीरो कट जाते हैं इसलिए, यहां भी दो जीरो कटे, 8 3 24, और भले ही आप 24 और 56 को जोड़ना बिल्कुल 80 आएगा। अब ये जो 56 और 24 आया ना, ये बिल्कुल 100 का 56 है, ये बिल्कुल 100 का 24 है। सो 56 और 24 ही तो 80 होते हैं, और 80 और 20 100। अब आप बताइए दोस्तों हार जीत किसको बताती है, अंतर को। 56 और 24 में अंतर 6 में से 4 गया 2, कितने का पड़ेगा 32 का, 32%। देखो 56 में से 24 गया तब अंतर 32 का, 32% 9600 के पड़े, तो 1% 9600 बटा 32, 1% 300 का, और एक 300 का प्यारे दोस्तों तो 100, 300 इंटू 100 करोगे आंसर आ जाएगा 30,000। क्लियर है ना चीजें, लिख दीजिए कॉपी में। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। अब देखो आपको फिर यहां पर 10 कब लिखना है, 10 कौन से वाले प्रश्न में लिखना वो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं, जल्दी से एक बार इसको लिखिए। फिर चलिए अगला प्रश्न क्या है कि यहां पर आपको थोड़ा चेंजेस करने हैं। चलिए या तो मैं प्रश्न ही नया लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में भी अच्छे से आए। अब ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या हमारे पास, उसको समझते हैं। किसी चुनाव में 10% मतों को अवैध घोषित किया, अवैध घोषित किया, कितने परसेंट को 10, यदि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का यदि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 65% मिला तथा वह उसको 65% मिला तथा वह 2800 वोट से जीत गया तो कुल कितने वोट पड़े, ये आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि भाई कुल कितने वोट पड़े। प्रयास कीजिए जल्दी से आंसर्स बताने का। वीडियो अच्छा लग रहा है सब जने लाइक जरूर करते रहिएगा साथ में, और जिनको बुक चाहिए उनका लिंक मैं अभी शेयर किया, जल्दी से आप लोग देख लीजिएगा। हाँ बिल्कुल प्रयास करते हैं रमेश जांगीर जी कि आज ये कंप्लीट हो पाए। बिल्कुल आर्यन कुमार जी, अगर माइनस मार्किंग नहीं होगी तो फिर आपको सारे क्वेश्चन करने होंगे ना, फिर वो आपके लिए तो बेटर है ना, फिर आप सारे क्वेश्चन ही कीजिए अगर माइनस नहीं होता। देखते हैं क्लास दोस्तों कितनी चल पाती है, प्रयास तो वही कर रहे जितनी क्लास चल पाए, इस टॉपिक को तो कम से कम कंप्लीट करा पाए, और चल के जाएगी। आप लोगों के सपोर्ट पर, आप सपोर्टिव है तो इस क्लास को और चला देंगे, चिंता मत कीजिए। आप आज समय काम को स्टार्ट भी कर सकते हैं। चलिए तो यहां देखिए 100 में 10 अवैध हुए तो बचे कितने 90। आप शेयर कर दो अभी, फिर और हम क्लास को और बढ़ा देंगे। ठीक है, आप शेयर मार दो एक बार सब जने जल्दी से, जितना हो सकता है शेयर कर दीजिए इसे। तो यहां देखिए, अब देखिए यहां बात हो रही है, यहां वैध मत लिखना दोस्तों, यहां थोड़ा चेंज करना आप लोगों को, कुल मतों का लिखना थोड़ा, अगर आप चेंज करोगे जल्दी से कर देना, यहां कुल मत लिखना, कुल मतों का। तो ये चीज आप लोग मुझे सॉल्व करके बताओ, अगर यहां कुल मत होते तब हमारा उत्तर कितना होता। कुल मतों का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा।
थोड़ा सा यहाँ चेंज करना, क्योंकि अगर वैध मत का होता तो फिर मैं प्रश्न उसी के हिसाब से बनाता। ठीक है मनोज कुमार जी, मैंने भी इसका उत्तर बताया था 1996 500 जो भी आपकी वैल्यू थी उसका 10% की दर से जो मकान का मूल्य फिट का बाजार का बढ़ता है ना उसका, तो पहले के लिए आप 100 बार रख दीजिए। चलिए अब समझते हैं बात को अच्छे से। 100 में से 10 खारिज हुए तो 90, अब 90 का 65 यहां गया तो यहां कितना जाएगा प्यारे दोस्तों 25। अब आप कहोगे यहां 25 डायरेक्ट कैसे लिख दिया, क्योंकि बात दोस्तों यहां वैध की नहीं हो रही है, बात हो रही है कुल की, और जब बात कुल की आती है तो बात होती है 100 की, और जब बात 100 की आ जाए तो हमें परसेंट निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क होता है वैध मतों में और कुल मतों वाले प्रश्नों में। तो प्यारे दोस्तों यहां 65 गया तो यहां 25, अंतर कितने का पड़ा 40 का, 40% अगर 2800 के पड़े तो 1% की वैल्यू 2800 बटा 40, तो प्यारे दोस्तों 1% पड़ा 70 का, और 1 70 का तो 100 कितने के, 70 × 100 करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 7000। तो ये चीजों को समझिए आप लोग, आपके लिए चीजें बहुत आसान होगी। फिर चलिए बढ़ते आगे, फिर उम्मीद कर रहा हूं चीजें अभी भी अच्छे से समझ में आ रही होगी। अभी देखिए एक मिश्रण का एक अच्छा प्रश्न आता है, वो मैं समझा देता हूं थोड़ा, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो फिर हम आगे चलते हैं। अगर आपको पूछ ले इस चुनाव में खारिज कितने हुए तो 7000 का 10% निकालना, 700 वोट खारिज होंगे तो वैलिड बचेंगे 6300 वोट। ठीक है दोस्तों, चलिए और दोस्तों जिनके पास भी बुक का लिंक आ रहा है, जिन्होंने अभी बुक नहीं ली है ले लीजिएगा, मात्र 50 रुपए उसकी प्राइस है। ई बुक है जो पीडीएफ फॉर्मेट में है दोस्तों, आप लोगों के लिए बुक बहुत हेल्पफुल रहने वाली। जिनका बेसिक्स क्लियर नहीं है, चीजों को जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं एक तरह से नोट्स के रूप में, तो आप चीजों को समझिएगा। ठीक है दोस्तों, और जल्दी दोस्तों हम प्रयास करेंगे इनके इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए ला पाए, उस वीडियोस में आपके लिए सॉल्यूशंस होंगे, सिर्फ क्वेश्चंस आप लोगों के पास अभी अवेलेबल हो रहे हैं। वैसे बुक में क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों है, लेकिन आपके पास एक वीडियो सॉल्यूशन आएगा तो एक और अच्छा मौका रहेगा चीजों को और समझने का। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास क्वेश्चंस का एक अच्छे से कलेक्शन भी हो जाएगा, और जो भी आपको प्रश्न रहेगा वो ऐसे रहेगा काउंटिंग से, मैं पहले का आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, दूसरे का, तीसरे का सीधा सॉल्यूशन, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास इस बुक में अवेलेबल रहेगा, और बुक में तो वैसे दोनों ऑप्शन है क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, तो लिंक अभी शेयर किया जा रहा है, आप लोग अगर नहीं देखी है तो आप लोग जरूर देखिएगा हमारी बुक ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा की बुक मैथ्स का डर खत्म। चलिए अब चलते हैं आगे, अब बातों को समझते हैं दोस्तों। ये ई बुक के फॉर्मेट में दोस्तों पीडीएफ के रूप में आपके मेल आईडी पे आएगी, आप लोग देख लीजिएगा, जो भी मैसेज आता है उसमें थर्ड नंबर ऑप्शन होता है डाउनलोड फाइल्स पर, क्लिक करके आप लोग अपनी बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़े आगे, फिर एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को सब जने। चलिए तो अब देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और ये इतना सा प्राइज रखने का एक ही उद्देश्य दोस्तों कि आप लोगों का एक छोटा सा सपोर्ट है एजुकेशन अड्डा के लिए, ताकि चीजों को थोड़ा और इंप्रूव करें और बातों को अच्छे से आप लोगों तक पहुंचा पाए। बिल्कुल यादव जी, थैंक यू, आपका सिलेक्शन हो गया तो बहुत बढ़िया है। अभिषेक जी रिपीट बिल्कुल करते हैं, आप लोग मुझे बता दीजिएगा। अभिषेक चौहान जी, आप अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है दोस्तों, क्या होता है इतने सारे मैसेज होते हैं ना, तो सबका मैसेज मैं पढ़ नहीं पाता। ठीक है, तो वह आप थोड़ा समझ सकते हो बिल्कुल, तो प्रयास करूंगा अगर आपका मैसेज कभी आएगा ऐसे तो मैं रिपीट करता हूं, वैसे अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड करते होगे तो आपको जरूर पता होगा। चलिए अब चीजों को समझते अच्छे से, क्या प्रश्न है हमारे पास। एक 600 लीटर नमक व पानी के मिश्रण में 20% पानी है तो इसमें और कितने लीटर पानी मिलाएं कि पानी की मात्रा 40% हो जाए, कि पानी की मात्रा 40% हो जाए, तो जल्दी से बताइए। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन यादव बॉयज, आपका सिलेक्शन हो गया है, बहुत बढ़िया।
अभिषेक जी प्रयास कीजिए, एक बार वीडियो रिपीट कीजिएगा, उसमें आपको चीजें समझ में आ जाए। उसमें कुछ नहीं था दोस्त, 100 की बात हुई थी कुल की, उसमें बात ये हुई थी कुल की, तो इसलिए हमने 90 से सीधा यहाँ 65 रखा और यहाँ 25 रखा। आपको यहाँ परसेंट क्यों पता नहीं किया, इसीलिए वो प्रश्न समझाया था कि यहाँ बात कुल की हो रही है और कुल में बात 100 की होती है, 90 की नहीं होती, इसलिए 100 का सीधा यहाँ 65 गया तो यहाँ 25 गया, तभी तो मिलके 90 और 10 तो खारिज हो गए थे, इसलिए अभिषेक जी ऐसी बात हुई थी। ठीक है, उम्मीद करूंगा चीजें समझ में आई होगी, अगर एक बार छोटा सा मैंने प्रयास किया, अगर समझ पाओ तो आप। चलिए अब देखिए, यहां पर एक 600 लीटर का मिश्रण है, कितने लीटर का मिश्रण है दोस्तों, 600 लीटर का। ये 600 लीटर का मिश्रण है, किसका मिश्रण है, नमक और पानी का। ठीक है दोस्तों, अब यहां से चीजों को समझना अच्छे से बहुत काम की बात है। ठीक है, वो क्या है कि यहां अगर 20% पानी है तो नमक कितना हुआ, 80%। इसमें तो मेरे हिसाब से कोई भी विद्यार्थी का कोई डाउट नहीं होगा, वो चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए 20% अगर पानी है तो नमक कितना होगा दोस्तों, 80%। और यहां पर अगर यहां पर पानी की मात्रा 40% करनी है तो देखो ये परसेंटेज अगर 40 हो जाएगा तो ये कितना होगा, 60, क्योंकि टोटल 100 होना चाहिए। वापस सुनिएगा दोस्तों, 20% पानी की मात्रा तो नमक हुआ 80, और यहां पर अगर 40% पानी की मात्रा तो नमक कितना हुआ, 60। मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं आएगा आपको। ठीक है, अब देखो ट्रिक, ये तो कोई भी विद्यार्थी लिख देगा एग्जाम में, यहां तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या करना है, जिस मात्रा को मिलाए, इसमें देखो कितने लीटर पानी मिला है, किसको मिला रहे हैं दोस्तों, पानी को। तो ट्रिक क्या है दोस्तों, यही तो ट्रिक है यहां पर, कि जिस मात्रा को मिलाए, जिसे मिलाएं या घटाएं, उसे काम में ना लें, उसे काम में ना लें। वापस सुनिए, जिसे आप मिला या घटा, बोल रहा हूं मैं जो यहां लिखा हुआ है, जिसे मिलाएं या घटाएं उसे काम में ना लें, यानी पानी की मात्रा हमें काम में नहीं लेनी, हमें मात्रा कौन सी आंसर देगी, नमक वाली। ये इस प्रश्न का उत्तर है। अब बताओ दोस्तों इससे सिंपल क्या होगा आपके लिए, क्या आप कैसे बताओगे अब उत्तर, 600 का गुणा 80/60 कर देना, ये जोड़ा सीधा याद रखना, आपको कभी चेंज नहीं करना, चाहे मात्रा बढ़ाने वाला प्रश्न हो चाहे घटाने वाला, ये चीज अच्छे से याद रखनी है। अब क्या करेंगे दोस्तों, 60 से 600 कटा 10 बार, 80 × 10 करोगे तो आंसर कितना, 800। अब आप बताइए दोस्तों, जो 600 लीटर का मिश्रण था वो 800 हो गया, तो कितनी मात्रा मिली, तो प्यारे दोस्तों यहां से जो मात्रा मिली है वो हो जाएगी 800 में से 600 गया 200 लीटर, कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्तों, 200 लीटर। नहीं तो आपको बड़े बड़े फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे जो हमारे लिए बहुत भारी पड़ेंगे, क्योंकि फॉर्मूला 2 दिन याद रहेगा, तीसरे दिन भूल जाओगे। ट्रिक इतनी सी है बस, कि जिसे मिला या घटा रहे उसे कभी काम में मत लो, मिलावट किसी काम की नहीं होगी, इसलिए इसको क्या कर दिया, घटा दिया, काट दिया, सॉरी काम में नहीं लिया। ठीक है दोस्तों, एक बार लिखो इसको, एक और प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लिखूंगा, फिर चीज को और समझाने का प्रयत्न करूंगा। लिखिए इसे जल्दी से, शेयर करते रहिए वीडियो को एक बार ज्यादा से ज्यादा, अच्छी क्लास चल पाई आज, आप लोगों का बहुत सारा थैंक यू, इतने देर आप बने रहे। जल्दी से बताइए अगले प्रश्न का उत्तर, आपको बताना फिर से वापस। कोई बात नहीं अखिलेश जी, अगर गलत हो गया है तो एक बार रिपीट कीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगले प्रश्न में आपको ये ट्रिक अप्लाई करके बिल्कुल इसे सही करना है। बिल्कुल महावीर जी, आपका उत्तर 3.5% आया है, आप किसका उत्तर बता रहे हैं 3.5%। चलिए शिशुपाल जी, शाकिया जी, थैंक यू आपका। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखा फिर, बहुत बढ़िया। चलिए एक प्रश्न और मैं लिखता हूं तो आप लोग मुझे आंसर बताने का प्रयत्न करना, फिर यहां परसेंटेज में चेंज कर रहा हूं और यहां मात्रा भी चेंज कर रहा हूं। जैसे यहां पर अगर हम लोग बात करें 350 लीटर था, मैं 5% पानी है तो इसमें कितने लीटर मिला है कि पानी की मात्रा 30% हो जाए, यह आपको सोल्व करके बताना, जल्दी से बताओ। पहले 5% था, अब इसे 30% करना है पानी की मात्रा को। ये मिलाने का प्रश्न सीखो, फिर हम घटाने का सिखाते हैं।
बुक का लिंक शेयर हो रहा है दोस्तों, जिनके पास नहीं है बुक जरूर ले लीजिएगा, आगे धीरे धीरे आपके लिए बुक बहुत महत्वपूर्ण होगी और 5 फरवरी से इसकी प्राइस बढ़ा दी जाएगी। तो अभी प्राइस मात्र 50 रुपए रखी गई है, तो आप लोग इसे ले सकते हैं। लिंक अभी शेयर हो रहा है, उस लिंक से आप लोग ले सकते हैं। जो आपके पास कार्ड होता है, जो भी मैक्सिमम जनों के पास डेबिट कार्ड होता है, उस डेबिट कार्ड से आप लोग ले सकते हैं। चलिए 125 बता रहे हैं, 475, बिल्कुल 475 सही आया, लेकिन वो 475 टोटल आया दोस्त, ठीक है। 475 में से अगर आप 350 घटाओगे ना, तब आपका उत्तर आएगा। ये 350 है, ये देखिए, ये मिश्रण है हमारे पास, ये मिश्रण है 350 लीटर का। देखो इससे सरल अब कुछ तरीका नहीं लगेगा आज के बाद आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने का, ठीक है। जैसे बर्तन बना लेना अच्छे से, ड्राइंग मेरी तो नॉर्मली इतने खास नहीं, आप प्रयास करना अच्छे से बना पाओ, ठीक है। चलिए, ये नमक है, ये पानी की मात्रा है दोस्तों। पहले पानी का परसेंटेज 5 था, तो नमक का कितना हुआ 95। अब देखो ये चीज तो आपको लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले जब मैंने लाइन लिखी थी ना, आज जब शुरुआत की थी इस टॉपिक की 3 घंटे पहले, तब आपको यही बोला था। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई 10 जने अगर फेल हो रहे हैं तो पास 90 होंगे, 5 जने अगर फेल हो रहे हैं तो पास 95 होंगे, ठीक है दोस्तों। अब अगली बात ध्यान दीजिएगा, 30% अगर पानी है तो नमक कितना होगा 70%। इन्होंने बोला इसमें कितने लीटर पानी मिला है, तो पानी को काम में नहीं लेना है। वापस सुनिएगा, कितने लीटर पानी मिला है, तो पानी की मात्रा काम में नहीं लेना है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अब बताइए नमक आंसर देगा हमें 350 का गुणा 95/70। ट्रिक बस यही है, जिसे मिला रहे हो या घटा रहे हो उसे ही काम में मत लीजिए। 0 से 0 देखो, 7 से 35 घटा 5 बार, 5 25 2 45 2 475। देखो दोस्तों ये 475 तो बड़ी हुई मात्रा आई है, ये 475 जो आया ना, ये तो बड़ी हुई मात्रा आई है। अब बताओ हमने शुरुआत कितने से की थी, 350, खत्म कितने पर 475, हमने कितनी मात्रा मिला दी, तो 475 में से 350 घटाओगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 125 लीटर। क्लियर है ना चीजें, बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक करते रहना दोस्तों, शेयर करते रहना। पंकज कुमार जी बैटरी लो हो गई है तो फोन को चार्ज कीजिए जल्दी से, क्योंकि अभी बहुत अच्छे अच्छा क्वेश्चंस आने हैं, जल्दी से इसको चार्ज कर लीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो यही प्रश्न अगर हमारे पास, चलिए मेटा गलत दिया यहां पर लिख लेते, चलिए कोई बात नहीं, एक और प्रश्न लिखाते हैं जिसमें मात्रा घटाने की बात होगी तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए वो समझते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न हमारे पास क्या है, 480 लीटर नमक व पानी के मिश्रण में, नमक और पानी के मिश्रण में 50% पानी है, तो इसमें से, कितने लीटर, पानी का वाष्पीकरण कर दिया जाए, कि पानी की मात्रा, इसमें से कितने लीटर पानी का वाष्पीकरण करेगी, पानी की मात्रा 20% रह जाए, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका।
180 आया आंसर, बहुत बढ़िया। सुधीर देशवाल जी, प्रवीण गुर्जर जी, आपका भी उत्तर बिल्कुल सही है। रोहित कुमार जी, अशोक कुमार जी, 180। छोटू ओशारे जी, आपका भी आंसर 180। मेनका मीणा जी 120, पंकज जी 180। चलिए सबके आंसर आए हैं दोस्तों। अब समझिए यहाँ पर जो मिश्रण है हमारे पास कितने का है, 480 लीटर का। ये नमक है और ये पानी है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर इन्होंने बोला 50% पानी है, तो हमारे पास नमक भी तो 50 ही होगा। फिर इन्होंने बोला पानी 20 रह जाए, तो पानी 20 रह गया, तो नमक कितना हुआ, 80। अब आप कहोगे सर यहां तो वाष्पीकरण लिखा हुआ है, अगर हमें एग्जाम में वाष्पीकरण ही नहीं पता है तो हम कैसे समझेंगे बात को। तो कोई बात नहीं दोस्त, हमें वाष्पीकरण नहीं पता हो सकता, साइंस का ये मान लीजिए वर्ड हमारे ध्यान में ना हो, पर हमें गणित तो अच्छे से आती है, गणित का लॉजिक तो लगा सकते हैं कि भी जो पानी पहले 50 था वो 20 ही रहा है। तो आप सोच के देखो, जो 50 था वो 20 रहा, इसका मतलब पानी की मात्रा में कमी आ रही है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि पानी की जो मैंने क्या बोला, जिसे मिलाएं या घटाएं उसे काम में ना ले, ये सीखा था हमने, जिसे मिलाए या घटा रहे हो, अब घटाने का प्रश्न है तो भी इसको काम में नहीं लेना, जिसको मिलाए या घटाए उसी देंगे। तो 480 का गुणा 50/80, 0 से 0 8 से 48 6 बार, आंसर आया 300 लीटर। अब ये मत समझना ये उत्तर आया दोस्तों, ये तो वो मात्रा आई है जो घटने के बाद है। अब बताओ जो 480 था वो अब 300 बचा है, कितने की कमी आई। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर कमी जो मात्रा घटी कितनी है, घटने वाली तो बतानी है, जो वाष्पीकरण हुआ है, 480 में से 300 गए तो आया 180। समझ में आ रही बात अच्छे से, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं फिर, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते रहिए साथ में आप लोग। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते रहिए दोस्तों। वो सारे टॉपिक्स है दोस्तों जो आपके जनरल मैथ्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों फिर। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है उसको समझते हैं हम लोग। प्रश्न ये हमारे पास बारह लीटर के घोल में 4% चीनी है। यदि यदि इसमें से 2 लीटर पानी उड़ा दे तो शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत होगा। ये हमें अप्लाई करके बताना है कि जो हमारा शेष मिश्रण है उसमें चीनी का प्रतिशत कितना होने वाला है। जल्दी से बताइए, पाई चार्ट दोस्तों मैंने करा दिया, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर देखिएगा। बुक का लिंक शेयर हो रहा है येलो कलर के मैसेज में, आप उस लिंक पे क्लिक करके बुक को ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। जल्दी उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी आएंगे, तो क्वेश्चंस तो आपके पास रहेंगे, आंसर से आप लोग अपनी मदद और अच्छे कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है दोस्तों। पर उसमें सॉल्यूशंस ही होंगे, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, जो वीडियोस आएगी उसके अंदर, ताकि क्वेश्चंस तो ऑलरेडी आपके पास रहेगा तो उसका लिखने का भी समय बचेगा और आप लोग चीजों को समझ भी पाओगे। तो जिनके पास बुक होगी उसको जरूर बेनिफिट होगा, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनेगी दोस्तों। चलिए
रविंद्र जी आपका थैंक यू। एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को, लाइव हो जी, देखिए 1000 तो रहना ही रहना कम से कम। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहां देखिए 12 लीटर के घोल में 4% चीनी, ये 12 लीटर का घोल था दोस्तों, इसमें 4% चीनी। आपके पास दो ऑप्शन है, जिससे अच्छा लगे उससे कर देना। तो यहां देखिए ये चीनी है और ये पानी है। तो प्यारे दोस्तों अगर 4% चीनी है तो पानी कितना हुआ, 96%। अब इन्होंने बोला है कि यहां से 2 लीटर पानी को उड़ा दिया, तो शेष जो मिश्रण है उसमें चीनी कितने परसेंट होगी। तो प्यारे दोस्तों यहां पर हम बात करें तो जो 12 लीटर का घोल है उसमें 4% चीनी, तो 12 का 4% पता करिए या तो आप लोग, ठीक है दोस्तों। तो 12 का 4% पता करके फिर अलग अलग पता करके फिर उसमें मात्रा को घटाना पड़ेगा। तो 12 × 4 48, 4.8, ठीक है दोस्तों। इसका गुणा कर लीजिएगा कितना आएगा, 12 × 6 72, 7 108 और 7 15 115, 4% पता कीजिए, 12 × 4/100, 48/100 यानी 0.48, ठीक है दोस्तों। और यहां पता करोगे तो जो रिमेनिंग बचेगा 11 पॉइंट कितना बचेगा, 48, तो 52 ऐसे कुछ बचेगा दोस्तों। अब इन्होंने बोला कि यहां से तो इन्होंने 2 लीटर पानी कम कर दिया, तो शेष देखो 0.848 बचा कितने में से। अब जो मिश्रण है वो 10 ही है, 10 में से और गुणा किससे, 100 से। पॉइंट हटाओगे 20, 0 से 0 कटा, तो आपका जो उत्तर आ जाएगा वो कितना आएगा, 48%। कितना आएगा दोस्तों, 48%। एक मिनट, 48 नहीं सॉरी, मिश्रण की मात्रा 10 हो जाएगी, यहां से पॉइंट हटाओगे 20, 20 आएंगे सॉरी। तो यहां देखिए 20 तो कट गए और 48/10 करोगे तो हमने एक जीरो कम लगा दिया था, 4.8% आएगा। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा लेंथी पड़ रहा है, मैं आपको क्या ट्रिक बता रहा हूं, आप ये बेसिक मैंने बताना जरूरी समझा था कि भाई अगर एग्जाम में कुछ याद नहीं आए तो इसको फिर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ट्रिक क्या है, ध्यान दीजिए, ये दो बर्तन बना लीजिए, आपकी ट्रिक खत्म हो जाएगी। ये बर्तन पहले 12 का, ये बर्तन पहले 10 का, ये ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों आपको मैं कि डायरेक्ट उत्तर कैसे बताना। पहले 12 और ये 10 आप कहोगे कहां से आया दोस्तों, क्योंकि 2 लीटर मात्रा हमने यहां से उड़ा दी है। अगर यहां मिलाने की बात होती तो 12 से 14 हो जाता, ठीक है दोस्तों। रेशियो वाला क्वेश्चन निक्की मिश्रा जी, जो मैंने वीडियोस अपलोड किए उसमें कराया था, 3 बर्तन मिलाने का, 4 बर्तन मिलाने का, ठीक है। अब ट्रिक कैसे अप्लाई करनी, ध्यान दीजिए, पहले कितने परसेंट था, 4। आप सब लोग मुझे बताओ पानी उड़ाने से चीनी बढ़ेगी या घटेगी, आप लोग उत्तर बताओगे तो फिर मैं आंसर ट्रिक से सॉल्व कर दूंगा। सिर्फ एक आंसर दे दो मेरी बात का कि पानी उड़ाने से चीनी का परसेंटेज बढ़ेगा या घटेगा, जल्दी बताओ। पानी बढ़ाने से, पानी घटाने से बढ़ेगा ना दोस्तों, चीनी का परसेंटेज तो बढ़ेगा, तो चीनी का बढ़ेगा, तो इसलिए बढ़कर आंसर लेना है। ऊपर 12 रखिए, बटे में 10 रखिए, 12 × 4 48/10 करोगे तो आपका उत्तर आएगा 4.8%। तो ये हमारा आंसर बनने वाला है। तो ये चीज आप समझ लोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से ये ट्रिक भी समझ में आ जाएगी। आपको ये 10 कहां से है गुरुजी, तो देखिए 12 में से 2 गए तो बचा कितना, 10, क्योंकि 2 लीटर पानी हमने क्या कर दिया, मात्रा उड़ा दी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बातों को। फिर एक और प्रश्न क्या आप लोग मुझे सॉल्व करके बता सकते हो दोस्तों, ऐसा ही अगर एक और प्रश्न आपको मिल जाए तो क्या आप लोग सॉल्व कर लोगे इसे। चलिए एक आया हुआ प्रश्न में और लिखा था दोस्तों, देखते हैं कितने जने उसे सॉल्व कर पाते हैं। आई भी वैल्यू लिखा देता हूं एक बार एक्चुअल में। यहां देखिए 5 लीटर के एक घोल में 40% चीनी है, यदि इसमें 1 लीटर पानी और मिला दे तो आपको बताना है कि शेष मिश्रण नए मिश्रण में क्या आंसर बनने वाला है, जल्दी से बताइए। जल्दी से जल्दी बताने का प्रयत्न करना है। ये आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया, संदीप गिरी जी 33.33, बहुत परफेक्ट आंसर बताया आपने। चलिए तो यहां देखिए दोस्तों, मैंने तो क्या बोला, आप 2 बर्तन बढ़ा दीजिए आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। पहले 5 लीटर था,
एक मिला देने पर कितना हो गया 6। अब आंसर तो ये दोनों देंगे। अब देखिए दोस्तों, पहले 40% चीनी थी, आप सोच के देखिए अगर पानी की मात्रा मिलाएंगे तो चीनी बढ़ेगी या घटेगी। अब लॉजिक आपका काम आता बेसिक वाला, तो सीधी सी मात्रा है कि पानी मिला रहे हैं तो चीनी का परसेंटेज डाउन होगा, तो डाउन होकर कितना आ जाएगा 5/6। बढ़ेगा नहीं दोस्तों, 48 मत बताओ, पानी मिला रहे तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि आपका उत्तर जो चीनी का परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा, कभी नहीं बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखिए, 2 से गया 20 बार, 2 से गया 3 बार, तो 100/3 और 100/3 यानी 33.3% या 33.3%। ठीक है दोस्तों, ये लॉजिक समझना बस, कि भाई जब पानी मिला रहे तो चीनी का परसेंटेज बढ़ेगा नहीं, चीनी का परसेंटेज डाउन होगा। समझ रहे हो ना चीजों को अच्छे से? बहुत बढ़िया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। बुक का लिंक शेयर हो रहा है दोस्तों, आप लोग उसको कंटिन्यूअसली, जिनके पास भी नहीं पहुंचा अभी, इस लिंक पे क्लिक करके आप लोग बुक को ले सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वन पे। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है उसको समझते हैं हम लोग। चीजों को समझोगे तो बातें बहुत आसान लगेगी। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास ये है, देखिए दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है ये आपको सॉल्व करके बताना है। अभी फर्स्ट है जो सेकंड का कितना परसेंटेज है। जल्दी से बताने का प्रयत्न करें दोस्तों। कल आपका अंतिम टॉपिक होगा दोस्तों एसएससी जीडी ड्रीम बैच का, वो होगा टाइम एंड वर्क, समय और काम, जिसका एक छोटा सा टॉपिक और भी होता पाइप टंकी, वो दोनों हम पढ़ेंगे। कल भी अगर ऐसे ही सेशन चल पाया तो कल हमारे एसएससी जीडी का जो ड्रीम बैच है वो कंप्लीट हो जाएगा। पवन कुमार जी कह रहे हैं नींद आ रही है, तो कोई पवन कुमार जी, अच्छा मुझे कह रहे हैं नींद आ रही है, नहीं आएगी दोस्तों, नींद मत लीजिए, अभी एग्जाम है हमारे पास, तो आप इतना जल्दी तो सो भी नहीं सकते, कम से कम आप लोग 2-3 बजे तक तो पढ़िए, फिर सुबह आप लोग जैसे भी 6-7 बजे जितना उठ पाते हो फिर आप लोग कंटिन्यू कीजिए स्टडी। अभी मत सोना दोस्तों, क्योंकि अभी आप सोगे तो फिर एग्जाम अच्छा नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, प्रयास कीजिएगा, बढ़ते आगे, फिर पढ़ाते हैं, देखते हैं विनय सिंह जी जितना आप लोग पढ़ पाते हो। देखिए प्रयास कीजिए, 1000 से कम नहीं होने चाहिए, 1000 से कम होगा दोस्तों ये मोटिवेशन होता है कि भाई इतने जने विद्यार्थी हमारे पास है तो पढ़ाने का भी और कंटिन्यूअसली ऐसे रहता कि हम और पढ़ा देंगे। तो शेयर कर दो एक बार वीडियो को, सब जाने सबको जगा दो अब। ठीक है, अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं टॉपिक को, आप लोग शेयर कर दो एक बार सब जाने, कम से कम 1000 जनों से तो ऊपर तो रहो, तो फिर हम लोग बिल्कुल आगे सेशन को और चला देंगे, 3 घंटे क्या 10 घंटे भी चला सकते हैं, बस आप लोग इसको शेयर कर दीजिए एक बार। तो यहां देखिए, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% और 25% अधिक है, तो पहली दूसरी का कितना परसेंट है। ये हमारे से सिंपल सा प्रश्न पूछा गया कि भी एक ये तीन संख्या इनका कंपैरिजन कीजिए आप, तो कंपैरिजन सीख लो आज, फिर आपके लिए प्रश्न बहुत आसान है। कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, कि तीन संख्याओं में से दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, देखो तीसरी अगर 100 होगी तो ये दो संख्या वो तीसरी से 20 और 25 अधिक है, तो 20 अधिक है तो 120, 25 अधिक है तो 125। वापस सुन लीजिए, 20 अधिक है तो 120, 25 अधिक है तो 125। अब आप कहते हैं 20 और 25 कम होती, तो अगर 20 और 25 कम होती तो यहां आता 80 और यहां आता 75। ये लॉजिक समझते रहना, कम और ज्यादा वाला लॉजिक। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहां क्या बोला है कि पहली दूसरी का कितना परसेंट है, तो पहली दूसरी का, तो मैंने क्या बोला था, जिसके साथ कहा रहता वैल्यू हमेशा कहां पर आती है, बटे में आती। अब क्या करेंगे दोस्तों, विशेष रूप से सुनिए, पहली बटा दूसरी गुणा 100, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 5 से 1 कटा 24 बार, 24 × 4 करोगे 96%, तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा दोस्तों 96%। बहुत बढ़िया, 1000 हो चुके हैं, 1000 लाइव रहिएगा।
ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर जल्दी से, फिर हम लोग अगला टॉपिक आज स्टार्ट कर देते हैं फिर। कोई मेरे पैरों के दर्द की चिंता मत कीजिए, आप लोग बस कंटिन्यूअसली सपोर्ट करते रहिए। सब जने वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों ज्यादा से ज्यादा। चलिए आगे बढ़े फिर, उम्मीद करता हूँ ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी पूरा टॉपिक परसेंटेज। अब दोस्तों मैं आपसे एक विशेष मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भी जैसे हमने टॉपिक की शुरुआत की थी एकदम जीरो से, जीरो वाले शुरू वाले प्रश्न पढ़ते तो हमें भी लगता भी इतना सिंपल कैसे, लेकिन उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यहां तक पहुंचे होंगे तो आपको जरूर सेटिस्फेक्शन हो गया होगा कि भी हमारे सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं और हमें हर प्रकार का वो प्रश्न मिल गया है जो हमें इस जीडी के ड्रीम बैच को, इस जीडी के ड्रीम बैच को क्लियर करने में मदद करेगा। समझ रहे हो ना चीजों को, इस ड्रीम बैच को कवर इस बार क्लियर करना है दोस्तों, ठीक है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़े फिर चलते हैं फिर दोस्तों। तो अब हम दोस्तों हमारे स्टार्ट करने जा रहे एक नया टॉपिक जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, समय काम मजदूरी। ठीक है दोस्तों, एक बार सभी जने जय हिंद का मैसेज लिख दीजिए ताकि सबको लगे अभी अब क्लास वापस स्टार्ट हुई है। सभी जने जय हिंद का मैसेज लिख दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को एक बार। अच्छा वो वाला प्रश्न बिल्कुल, एक प्रश्न मैं करा देता हूं वो वाला भी दोस्तों। चलिए सब जन एक बार जैन का मैसेज लिख दो, फिर एक प्रश्न और विद्यार्थी ने बताया उसको मैं करा देता हूं। कितने जने हैं जो इसको पढ़ना चाहते हैं? देखो कोई ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आपको समझ में आएगा तो ही चीजों को आगे बढ़ाने का महत्व रहेगा। समझ सकते हो ना बातों को, ठीक है। अगर आपको समझ में आगे कंटिन्यू, देखो 3 घंटे की क्लास हो चुकी है, अगर आपको और समझ में, देखो ऐसे फिर लंबी क्लास में आपका देखो टारगेट रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप लोग आगे भी और पढ़ सकते हो तो आप यस का मैसेज लिख दीजिए। अगर आप आगे अभी कंटिन्यू नहीं पढ़ पाओगे कोई बात नहीं दोस्तों, हो सकता है ना भाई इतना हम लोग इस चीज को मैथ्स को नहीं पढ़ पाए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पढ़ोगे तो यस का मैसेज लिखे, नहीं पढ़ना पा रहे हो कल पढ़ लेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो नो लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझना इस चीज को, ऐसा नहीं है कि आप लोग फिर समझ नहीं पाओ सिर्फ ऐसे, फिर लंबी क्लास का फिर कोई औचित्य नहीं रहेगा फिर। बहुत बढ़िया, सब जनों ने यस का मैसेज किया, परफेक्ट, कोई बात नहीं गगन जी, कोई चिंता वाली बात नहीं, प्रयास करेंगे। चलिए सभी ने यस का मैसेज, कोई बात नहीं ठीक है। बिल्कुल सभी ने, बहुत बढ़िया। चलिए मतलब यस वाले मैसेज थोड़े ज्यादा है दोस्तों। बैटरी को तो चार्ज कीजिए ना दोस्तों, इतना तो अब कर ही सकते हैं ना, बैटरी को चार्ज कीजिए दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, एक प्रश्न में जो संदीप गिरी जी ने पूछा उनका सॉल्यूशन बता देता हूं। देखिए प्रश्न एक बहुत अच्छा भी बनता है एग्जाम में, चीनी के मूल्य में थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन, इसलिए चीनी के मूल्य में 20% कमी आ जाने पर 480 रुपए में 6 किलो चीनी अधिक खरीद पाते हैं, वो परसेंटेज का एक प्रश्न है दोस्तों, खरीद पाते हैं तो चीनी का वर्तमान तथा प्रारंभिक भाव होगा। ये प्रश्न है हमारे पास, तो चीनी का वर्तमान और प्रारंभिक भाव क्या होगा वो हम लोग सॉल्व करते हैं। जल्दी से बताइए दोस्तों, जिन भी विद्यार्थियों का उत्तर आ जाता वो मुझे जरूर बताएं इसका आंसर। बिल्कुल चेतन जी आपका आंसर 20 आ रहा है, प्रियंका वर्मा जी 16, सुमित कुमार जी 16, सूरज जी, दोनों आंसर आप लिखिए कि अभी 12, 16, 18, 20 दोनों साथ में लिखिए ताकि आप वर्तमान भाव भी बताओ और प्रारंभिक भाव, वर्तमान मतलब समझ रहे हो कि अभी आज भाव कितना है और पहले कितना था। बिल्कुल लोकेश जी आपने प्रयास किया बहुत अच्छा, छोटू कुमार जी बहुत बढ़िया 16, 20,
प्रीन कुमार जी 1620, अरुण कुमार जी बहुत बढ़िया। चलिए एक प्रयास करते हैं कैमरे को थोड़ा अच्छे से और साफ कर देते ताकि आगे का जो सेशन है वो प्रॉपरली चले। चलिए अब कैमरा थोड़ा साफ हो गया होगा। देखिए एक बार परफेक्टली। चलिए अब चलता है, ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्नों की ओर। ये देखिए, अच्छे जिन विद्यार्थियों का आंसर नहीं आ पाया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही सरल प्रश्न बढ़ जाएगा आज के बाद ये आपका, बहुत ही सरल वाला प्रश्न। लेकिन इस सरल प्रश्न के लिए आपको एक ट्रिक समझनी है, और एक ऐसी ट्रिक से जो दोस्तों मैंने आपके बुक्स के अंदर बताई है, छोटी छोटी बातें जो आपको समझने में मदद करेगी। जिनके पास बुक होगी उनको जरूर पता होगा, ये ट्रिक अच्छे से लिखी हुई है चीजों को समझ पाने के लिए। देखो उस ट्रिक का नाम है कि आप 1 किलो का प्रतिशत ज्ञात कर लीजिए। 1 किलो का क्या ज्ञात कर लीजिए? प्रतिशत। आप कहोगे प्रतिशत कौन सा? वही परसेंटेज जो प्रश्न में दिया हुआ है। क्या करना दोस्तों? 1 किलो का परसेंटेज, 1 किलोग्राम का प्रतिशत, ये आपका लॉजिक है। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक है और ये याद कर लोगे चीजें बहुत आसान होगी। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 किलो का परसेंटेज, हमारे पास 480 में 6 किलो, तो मैंने क्या बोला पहले, तो 1 किलो का भाव निकालो, 480 में 6 किलो, ठीक है ना? तो अच्छे से समझना, 1 किलो का भाव कितना? 80, और 80 का परसेंटेज निकाल लो, खत्म हो जाएगा प्रश्न। 80 का 20%, तो 8 × 16, ये हमेशा जो भाव आता है ना दोस्तों, ये हमेशा वर्तमान भाव आता है। इस ट्रिक से हमेशा जो भाव आता है वो कौन सा भाव आता है? वर्तमान। एक और इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, अगर आप फॉर्मूले याद करोगे तो बहुत भारी पड़ जाएगा। बाकी एक सिंपल सा ट्रिक है कि 1 किलो का परसेंटेज अगर आप बेसिक भाषा में सीखना चाहते हो एक्चुअल में, तो आप सोचिए कि भाई या तो आप 20% ज्यादा दे रहे हो, किसका 20% ज्यादा देना पड़ेगा? आप 480 का, और 480 का 20% निकालोगे। बेसिक ट्रिक, बेसिक कंसेप्ट ये होता है, 480 का 20% यानी 96 रुपए ज्यादा देंगे कितने किलो खरीदने में, सॉरी 96 रुपए कम देंगे क्योंकि भाव में कमी आ रही है, 96 रुपए 6 में, तो आप तो 1 किलो का भाव 16। या तो ये तरीका लगाओ या फिर ये वाली ट्रिक लगाओ। अब दोस्तों ये ट्रिक है ना, छोटा बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। रीजन क्या है कि भाई 480 में वो 6 किलो ला रहा, तो 1 किलो का भाव 80, और आप बताओ दोस्तों 80 का 20% कितना? 16। बेसिक बता दिया ना दोस्त, बेसिक ये है कि अभी 480 का 20% हमें कम देना पड़ेगा, और 480 का 20% कितना होता है? 96, और 96 में हमें 6 किलो की जो चीनी है वो ज्यादा खरीद रहे हैं, तो यानी कितने रुपए भाव वाली चीनी ज्यादा खरीद रहे हैं? 16 रुपए। ठीक है, तो ये बेसिक भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखो आपको पूछे, ये तो वर्तमान भाव आया, पहले का पूछे, तो मैंने तो आपको बोला प्रारंभिक पता करने के लिए। देखो दोस्तों 100 पर 20 की कमी, तो ये तो पहले को दर्शाता है, और ये किसको? बाद को। हमने जनसंख्या वाला प्रश्न पढ़ा था, पहले का पूछे तो ऊपर पहले वाली वैल्यू, तो इसका मतलब पहले 100 था बटे में 80, 0 से 0, 8 से 16 कटा 2 बार, यानी हमारा जो पहले भाव था वो था 100 रुपए पर केजी, जो सॉरी 20 रुपए पर केजी, जो 20 रुपए का भाव था वो घटकर कितना आ गया? 16। वर्दी वाला आएगा, बिल्कुल समझाएंगे दोस्त, 1% चिंता नहीं करनी। वर्दी और कमी ट्रिक अप्लाई होती है ना, तो सब जगह अप्लाई होती है, वही ट्रिक मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, जल्दी से बताओ समझ में आया क्या अच्छे से? चलिए एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलता हूं। मैं आपको एक और प्रश्न कराऊंगा जिससे आपको लॉजिक, अब आप एक बेसिक सोच के देखो, 20 का 20% कितना होता है? 4। 4 की कमी आई है तभी तो हम लोग कहां पहुंचे? 16 पर। ठीक है, एक बार वापस समझो, समझा देता हूं। देखो अभिषेक जी समझिएगा, देखो 1 किलो का परसेंटेज, तो प्यारे दोस्तों 480 में 6 किलो, तो 1 किलो 80 का आया, बस 80 का परसेंट जो 20 दिया हुआ है, 10 होता तो 10 निकाल लेते, 80 का 20% 16। हमारा क्वेश्चन लगभग यहीं तक बनता है, लेकिन
अगर पहले का पूछ ले तो आपको क्या करना है, 100/80, पहले 100 था बाद में 80, ये वृद्धि का होता तो हम 100/120 रखते क्योंकि 20 की वृद्धि होती। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते एक प्रश्न की ओर, आप लोगों को सॉल्व करके बताना है। चीनी के मूल्य में 10% कमी आ जाने पर 720 में 720 में 4 किलो चीनी कम खरीद पाते हैं, क्योंकि जब देखो यहां वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई है, क्या हुई दोस्तों एक मिनट, वृद्धि का लिखे फिर तो यहां लिख दो 20% वृद्धि हो जाने पर, वहां कमी थी ये वृद्धि का लिख दो ताकि आपके विद्यार्थियों का जो डाउट था वो भी क्लियर हो जाएगा। जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका आंसर बताइए जल्दी से पहले एक बार फिर। चलिए देखिए विद्यार्थी कम हो गए, मैंने बोला ना दोस्तों प्रयास कीजिए, 1000 जने तो रहिए। चलिए बहुत बढ़िया, विनय सिंह जी कल भी 7 बजे की क्लास होगी, आप लोग ज्वाइन कीजिएगा जरूरी से। चलिए अब देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट बात क्या है, 1 किलो का परसेंट, तो पहले देखो 720 में 4 किलो तो 1 किलो का भाव कितना है 180। बस ट्रिक क्या थी कि अभी 1 किलो का परसेंट, तो 180 का 20%, तो प्यारे दोस्तों 18 × 36 रुपए पर केजी। तो ये जिन विद्यार्थियों का उत्तर आया ना वर्तमान का, वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, क्लियर है ना, चीजें अच्छे समझ में आ रही। और पूछे पहले का बताओ, तो पहले का पता, पहले या प्रारंभिक एक ही चीज होती है, पहले का पता करने के लिए पहले तो 100 थे बटे में 120। अब आपको भी इस बार हमने 80 क्यों नहीं रखा, क्योंकि दोस्त कमी नहीं होती, यहां पर क्या हुई थी वृद्धि। 0 से 0 12 से 36 कटा 3 बार, 10 × 3 30 रुपए पर केजी। समझ में आ रही बात अच्छे से दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक कंसेप्ट था जिसके चीजों आराम से समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर हम देखिए विद्यार्थी 1000 से भी कम हो चुके हैं, तो ऐसा प्रयास करते हैं हम कल ही रखते हैं फिर टाइम एंड वर्क को, मेरे भी दोस्तों गर्दन काफी दर्द करने लग गई अब। ठीक है, और अगर आप विद्यार्थी अभी भी, मैं कह रहा हूं दोस्तों आप लोग अगर शेयर करते हैं ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट हो जाएंगे दोस्तों, थोड़ा इंटरेस्ट है चीज को, क्योंकि लंबी क्लास है तो आप समझ सकते हो चीजों को। ठीक है चलिए, तो फिर हम कल ही रखते हैं इस क्लास को अच्छे से, तो कल वापस हम 3 घंटे की क्लास रखेंगे। ठीक है दोस्तों, कल वापस सभी को मैं बता दे रहा हूं दोस्तों, कल वापस 7 से 10 बजे ज्वाइन करना है। ठीक है दोस्तों, 7 से 10 बजे ज्वाइन करना है, फिर हम लोग हमारे जो समय काम और पाइप टंकी है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कल हमारे एसएससी जीडी का अगर क्लास अच्छे से चल पाई तो जीडी का जो ड्रीम बैच है वो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, और जिन विद्यार्थियों ने अभी हमारी बुक नहीं ली है दोस्तों, ई बुक जो पीडीएफ फॉर्मेट में है, ये हमारे बुक का फॉर्मेट है दोस्तों। ये अगर आपने कवर पेज जरूर देखा होगा, अगर काफी टाइम से आप जुड़े हुए हो तो आपने इसके बारे में जरूर देखा होगा, टॉपिक समझाए गए अच्छे से, आपको चीजों को क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, जब हम सॉल्यूशंस कराएंगे तो आपके पास सिर्फ सॉल्यूशन हो जाएगा अच्छे से, और भी और अच्छे से ट्रिक के साथ। ठीक है दोस्तों, कुछ 1-2 प्रश्न और भी ऐड करने का प्रयास करेंगे जब आपको सॉल्यूशन कराएंगे तब। ठीक है, तो ये जो चीजें है ना दोस्तों, ये आपके लिए एक तरह से ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, जैसे काफी सारे जो विद्यार्थी ऐसे भी है जो जॉब कर रहे हैं, उनके पास समय नहीं हो, चाहे यूपी बिहार पंजाब हरियाणा कहीं से भी हो, इनके पास नोट्स बनाने का समय ना हो, वो इस बुक को परचेज जरूर कीजिएगा। आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा नंबर ऑफ क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा, 18 टॉपिक है इसके अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ बुक का वापस, तो आप लोग चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, बुक का लिंक अभी, ये एक तरह से छोटा सा सपोर्ट है दोस्तों, इसीलिए इसकी प्राइस मात्र 50 रुपए रखी गई है, क्योंकि आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर पाओ, इतना तो सपोर्ट आप लोगों का बढ़ता है दोस्तों। काफी टाइम से आप लोगों की लगभग 1000 से ज्यादा वीडियो मैंने मैस के अपलोड कर दिए हैं, 1000 से भी ज्यादा। रीजन ये है कि फर्स्ट चैनल पे लगभग मेरे 800 वीडियो होने वाले और इस चैनल पे 300 से भी ज्यादा होंगे, तो फिर 1000 से भी ऊपर चला गया 1100 तक। ठीक है, तो ये चीज है दोस्तों, इतना तो सपोर्ट आप लोग कर सकते हो चैनल को, ताकि चीजों को थोड़ा इंप्रूव करें दोस्तों, ताकि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सा प्रयास कर पाए। ठीक है दोस्तों, लिंक आपके साथ जो येलो कलर का मैसेज आ रहा है उसमें बुक का लिंक डाला हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब दोस्तों आज इतनी बड़ी क्लास हुई है, इस क्लास को इतना फैला देना है यूट्यूब पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, इतना तो एक एक जना भी शेयर करेगा तो भी आप लोगों का सपोर्ट होगा दोस्तों। कल एक और मैं क्लास ऐसी 3 घंटे की लूंगा, जो भी विद्यार्थी अभी लाइव है सब जने एक एक बार अभी जरूर शेयर करके फिर सोना है सभी को, ठीक है। तो सभी का थैंक यू, एक बार सभी जय हिंद का मैसेज कर दीजिए, थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट। अभी हो जाएगा वीडियो अपलोड तुरंत दोस्तों। एक बार मैं वापस लिंक शेयर कर रहा हूं, जिनके पास नहीं पहुंचा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिंक होगा सबसे ऊपर, तो आप उससे भी देख सकते हैं।